स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई स्टडी आई क्यूमित लेक्चर ट्वेंटी स्पेक्ट्रम सीरीज हम सिविल सर्विस के प्रम्स और मेन्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए थ्रू दिस सीरीज वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड विल ऑल्सो भी कंप्लीटिंग द मॉडर्न इंडिया ओल्ड एनसीआर एंड वंस द सीरीज एंडस विल ऑल्सो डू द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थ्री विच इज कॉल्ड एज द न्यू एनसीआर टी अभी हमने पहले उन्नीस लेक्चर्स में स्पेक्ट्रम के जो पहले फोर्टीन चैप्टर्स है वी हैव कंप्लीटेड दट आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है दट इज चैप्टर नंबर फिफ्टीन

विद दी फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस एंड उसके बाद 1885 से 1905 तक एरा ऑफ मॉडरेट्स होता है 1885 से 1905 तक से लेकर से लेके 1919 तक उसको कहते हैं एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट

द रीज़न मीन क्योंकि बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में इंडिया डिफेंस एक्ट लगता था इंडिया में तो उस समय बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो थी उनको ब्रूटली सप्रेस किया जा सकता था बिकॉज उस समय वॉर टाइम था सो so द हीब कॉर्पस या जो लिबर्टी के जो लॉज होते थे दे वर सप्रेस बट वंस द वर्ल्ड वॉर एंडेड हमारे भारत के अंदर देर वॉर सम स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से जो नेशनलिस्ट अपसर्ज है वो बेसिकली दोबारा से बढ़ गया नाउ वट आर दोज रीजन बेसिकली विल सी कि वॉर uh, की वजह से बहुत सारी इन्फ्लेशन हो गई थी उसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही थी देन इंपेरियलिज्म से पूरे के पूरे जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी नेशनलिस्ट होते थे उनके डिसल्यूजनमेंट होगी वर्ल्ड वॉर वन बेसिकली जब लड़ी गई थी जो जो भी विनिंग पावर थे जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया दे एक्चुअली प्रोपोगेंडेड कि दे आर फाइटिंग फॉर द लिबर्टी इन अ सेंस बट वंस द वर्ल्ड वॉर एंडेड बेसिकली दे उन्होंने अपने किसी प्रॉमिस को पूरा रखा नहीं so, सो जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी नेशनलिस्ट थे या जो भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर द काइंड ऑफ गॉड डिश दिस इल्यूजन विद द इंपीरियल पावर्स एंड देन इंपैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग events of the 20th century is 1917 russian revolution that was the first time where workers basically overthrew uh, the royalty तो उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं so, तो दो स्पेसिफिक चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले, reforms, उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है वो पॉलिटी में भी क्वेश्चन आते हैं उसके हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक आइडिया अबाउट एंड देन अबाउट दी गांधी गांधीज़ एक्टिविज़्म इन दी साउथ अफ्रीका मतलब कि गांधी के 1893 से लेके 1919 के जितने भी साल हैं उनको एक छोटे सी कंप्रेशन के अंदर बहुत जल्दी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो 20 साल उन्होंने 19 1893 से लेकर 1915 तक जब वो साउथ अफ्रीका में थे सो वट ही डिड हाउ ही डेवलप्ड हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह आइडियाज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एंड देन ही केम टू इंडिया और फिर उन्होंने इंडिया में आके जो एक साल ट्रैवल किया था ऑल ओवर इंडिया एंड उसके बाद उन्होंने इमीजिएटली जो उनके इनिशियल स्टेजेस के पहले तीन सत्याग्रह थे उनके बारे में स्टडी करेंगे दैट इज चंपारण अहमदाबाद एंड दी खेड़ा सत्याग्रह एंड देन इन नाइनटीन गवर्नमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन पास इज रॉलेट एक्ट

वर्ल्ड वॉर वन के एंड के समय में अब लाइक दिस इज अ पीरियड लाइक दिस इज हिस्टोरिकल पीरियड विच इज लाइक अ मेजर जर्नी ठीक है सो इंडिया में भी बहुत सारी सी एक्टिविटीज़ हो रही है इंटरनेशनली ऑल्सो देर आर मैन बिकॉज इट्स लाइक लिटरली वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन द वर्ल्ड हैज़ नॉट सीन दैट स्केल ऑफ वॉर बिफोर दैट मतलब इट वॉज मैसिव इट वॉज

भारत के अंदर जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो दोबारा इवन इन दी अदर अफ्रीकन कॉलोनीज एंड द साउथ अमेरिकन कॉलोनीज और सो जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ थी वो बेसिकली वापस रिसर्च हो जाती है बिकॉज सिंस नाइनटीन टू नाइनटीन हंड्रेड एटीन वॉज काइंड ऑफ अ पॉज ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटी प्राइमरली क्यों क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये 1915 में बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था विच गेव टू मच पावर्स टू दी गवर्नमेंट वॉर के समय में जनरली uh, लिबर्टीज जो है वो बेसिकली सस्पेंड कर दी जाती है सो सिंस वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो इंडिया का स्ट्रगल था जो एटीन हंड्रेड से बेसिकली ऑलमोस्ट बिगिन हो चुका था इट टुक अ वेरी डिसाइसिव टर्न डिसाइसिव टर्न इन द सेंस कि नाउ वी कैन सी इन हिस्टोरिकल कि उसपे बेसिकली उसके बाद जो वो गांधीन इफेक्ट आता है और जो वो मार्च नेशनलिज्म की तरफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बढ़ता है इट कंटिन्यूज टिल दी 1947, हंड्रेड फोर्टी सेवन विच द एमरजेंस ऑफ द मोहनदास करमचंद गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन तो दो चीज़ें सबसे पहले गांधी के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाई देर वॉज अ नेशनलिस्ट अपसर्ज आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर वन एंड सेकेंड वट वार दिज मॉन्टेक चैम रिफॉर्म्स ये दो चीजें दिखते हैं देन विल डिस्कस अबाउट दी महात्मा गांधी नेशनलिस्ट अपसर्ज क्यों था वेल प्राइमरली स्पीकिंग उस समय इंडिया की कंडीशन और इंटरनेशनल इंफ्लुएंसिस इन दोनों रीजन्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेड वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्यों वापिस से नेशनलिस्ट एक्टिविटीज इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो एक्टिविटीज है वो दोबारा से ऊपर बढ़ी या ज्यादा हो गई किस वजह से सो so, दो रीजन स्पेसिफिकली याद रखिए एक तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स है एंड दूसरा इंपैक्ट ऑफ द रशियन रेवल्यूशन नाउ रशियन रेवल्यूशन वी हैव टू स्टडी बट वी हैव टू स्टडी इट इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री बट वेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कि हम अपने uh, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ सिर्फ मेंस में आता है और वो भी बेसिकली सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्ट में वी डू नीड टू तो अंडरस्टैंड हमें थोड़ा सा रशियन रशियन रेवल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए उसका इंपैक्ट और उसके ऑन वर्ल्ड पूछे जाते हैं बट यहां पे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ बेसिकली उसको एक ओवरव्यू लेना है कि वट एग्जैक्टली वॉज इट पोस्ट वॉर इकोनॉमिक हार्डशिप दिस वॉज फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन के बाद इंडिया में नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं सबसे पहले ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर वन के समय में इंडियन आर्मी में तो इंडियन आर्मी के अंदर इंडियन मैन थे इंडियन विमेन थे इंडियन रिसोर्सेज थे सो ब्रिटिशर्स बेसिकली यूज इंडियन रिसोर्सेज ऑन सेवरल फ्रंट्स तो हर जगह पे यूज किया फूड सप्लाईज एम्यूनिशन आर्मी के कीप कमिंग दैट ऑल वॉज कमिंग फ्रॉम टैक्सिंग द इंडियंस सो ब्रिटेन वॉज फाइटिंग द वर्ल्ड वॉर वन एंड दे वर एबल टू विन इट इन ऑल प्रोबेबिलिटी बिकॉज दे हैड द रिसोर्सिस ऑफ इंडिया टू एक्सप्लोर इट दट इज दट इज अ वेरी टू से बट जब वॉर एंडेड हुई तो वो जो सारे के सारे जो इंपैक्ट थे द इन्फ्लेशन इंपैक्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप्स दैट केम ऑन द इंडियंस सो इंडियंस बेसिकली स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग हार्ड हार्डशिप्स एंड ऑन एवरी एस्पेक्ट इंडस्ट्री वर्कर्स एग्रीकल्चर ऑल ऑफ देम सबसे पहले इंडस्ट्री दिस स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन प्राइस देन अ रिसेशन कपल्ड विद इंक्रीज फॉरन इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंक ऑफ द क्लोजर एंड द लॉस सो सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है तो उस समय यूजली वॉर कंपनीज इन्फ्लेशन जैसे ही वॉर होता है तो देर इज़ अस बैलेंस ऑफ दी सप्लाई एंड डिमांड रीजनिंग कि इंडस्ट्री के जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे वॉर एफर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिए जाते हैं तो वॉर एफर्ट की तरफ डाइवर्ट किए जाते हैं तो प्रोडक्शन चीज़ों की कम हो जाती है लेकिन डिमांड उस समय इंक्रीज हो रही होती है सो दिस इज नॉर्मल इकोनॉमिक्स वन ओ वन की अगर किसी चीज की सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है तो इट लीड्स टू इन्फ्लेषन दिस हैपन्स इन द कॉन्टेक्स ऑफ ऑल द मैनुफेक्चर्ड गुड्स ऑल्सो एंड प्राइमरी स्पीकिंग द बेसिक नेसेसिटी फूड ऑल्सो तो वो पहले हर एक चीज में इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स में अगर हम देखें तो उस समय प्राइसिस बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर वन के समय में एक रिसेशन भी आया था एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जो ब्रिटिश एंटरप्राइजेस थे या जो ब्रिटिश इंडस्ट्री मनी थी दैट आल्सो स्टार्टेड कमिंग टू द इंडिया जिसकी वजह से जो भारत की इंडस्ट्रीज थी बहुत सारी सी क्लोज हो गई एंड इन अ सेंस इट नेगेटिवली अफेक्टेड अस दे नाउ डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स बिसाइड्स द गवर्नमेंट एड सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इज नेशनलिस्ट अपसर्ज गोइंग ऑन क्यों क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वो सारे के सारे अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं बिकॉज द वर्ल्ड वॉर वन हैज अफेक्टेड वेरी देन वर्कर्स एंड आर्टिस्टन दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेश फेज अनएम्प्लॉयमेंट और इनको हाई प्राइसिस पे करने पड़ते थे प्रेजेंट्री के ऊपर यानी कि जो लोग खेतों में काम करते हैं वहां पर उनको हाई टैक्सेशन हमेशा से मतलब सिंस इट हैज़ बीन सिंस लास्ट हंड्रेड इयर्स आल्सो बट वॉर एक्चुअली उस चीज़ को और ज्यादा बढ़ा देती है वॉर उस चीज को बेसिकली एम्पलीफाई कर देती है सो द प्रेजेंट्स वेटेड फॉर लीड टू प्रोटेस्ट एंड विल सी जस्ट नाउ विद द एमरजेंसी ऑफ द गांधी दैट एंड द फार्मर्स दे वर द फर्स्ट मासेस टू जॉइन द प्रोटेस्ट आल्सो सोल्जर्स अच्छा सोल्जर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फील्ड द इंडियन सोल्जर्स फॉट इन दू अफ्रीका ऑल्सो इन द यूरोप ऑल्सो तो वे जब वापस आए रिटर्न फ्रॉम द बैटर फील्ड एंड गेव एन आइडिया ऑफ देयर एक्सपीरियंसिस टू द रूरल फोक मतलब कि अपने गाँव में जाके उन्होंने जब सारे के सारे वापस एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो उन्हें यह पता चला कि यार आवर कंट्री हैज़ लेस लिबर्टी पोलिटिकल लिबर्टी ऑल्सो एंड आवर कंट्री इज Poor also, impoverished also in comparison relatively to the other countries. And educated urban classes, this section was also facing unemployment or acute awareness of racism in the attitude of the British. सो वर्ल्ड वॉर वन का जो फर्स्ट रीजन है दैट इज द डोमेस्टिक वन डोमेस्टिक वन के अंदर हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे इंडस्ट्री के कॉन्टेक्ट से वर्कर्स के कॉन्टेक्ट से पेजेंट्री सोल्जर्स और द एजुकेटेड अर्बन क्लास के कॉन्टेक्ट से देन वी टॉक अबाउट इट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोलिटिकल गेन्स फॉर द कोऑपरेशन इन दॉर इंडियंस कॉपरेटेड विद ब्रिटिशर्स इन दर्ल्ड वॉर वन दो वी वुड है बट इन दैट कॉन्टेक्सट द पोलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो हैड एन एक्सपेक्टेशन कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगी वी वुड बी काइंड ऑफ रिवॉर्डेड बेसिकली इन देंस वी बी एक्चुअली रिवॉर्डेड सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट दो इट हैज गॉन अपलेज एक्सपेक्टेड थी कांग्रेस के जो लीडर्स थे सीनियर लीडर्स थे कि इट वुड एक्चुअली बी रिवाइड गांधी और उस समय जो नेशनलिस्ट थे दे एक्सटेंडेड कोऑपरेशन टू वॉर एफर्ट बड़े सारे से इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने बेसिकली लाइक लिटरल अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की फॉर द ब्रिटिश वॉर पर से एंड आफ्टर द वॉर जो वो एक्सपेक्टेशंस थी पॉलिटिकल गेंस की उसकी वजह से थोड़ा सा एटमोस्फेयर चार्ज भी था एंड दोज एक्सपेक्टेशंस वर सपोज टू बी मेट बाय द बाई दॉन्टेगोड रिफॉर्म्स ठीक है तो उस समय वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ तो सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि मॉन्टेग चैम्सफोड रिफॉर्म्स वो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होंगे विच वुड बी काइंड ऑफ अग्रैटिट्यूड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू इंडियंस For their cooperation in the World War I, which did happen. So basically, montague Mon chancellor reforms joe, they were basically disappointing for the Indians. So the nationalist upsurge actually began. And is to nationalist disillusionment with the imperialism worldwide? So Allied powers ka? Allied powers are basically the winning uh, side of the uh, World War One, which is basically United Kingdom, the France, and uh, Russia. शिया यूएसएल्सो ज्वाइंड वर्ल्ड वॉर वन बट उन्होंने 1917 में ज्वाइन किया था दो वर्ल्ड वॉर वन बेसिकली 1914 जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी यूके फ्रांस और रशिया एंड यूएसए ये लाइड पावर थी अगेंस्ट दी एक्सेस पावर्स ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की बता रहा हूं ठीक है दिस इज सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो लूजिंग साइड थी उनको एक्सेस पावर्स कहते हैं अगेन दैट ऑज जर्मनी इटली एंड जपान ठीक है जर्मनी इटली एंड जापान इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम हम इसको कंफ्यूजन में न रखें और हम सिर्फ और सिर्फ बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो अलाइड पावर्स हैं दैट इज यूनाइटेड किंगडम फ्रांस एंड रशिया एंड 1917 के बाद यूएसए भी ज्वाइन कर लेता है दे वर फाइटिंग अगेंस्ट दी जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हंगरी एंड द टर्की सो बेसिकली यू इज एन अलाइड पावर तो हम यूके की बेसिकली कॉलोनी थी सो दे प्रोमिस देर कॉलोनीज

पावर वुड बी हैंडेड टू दोकल्स और टू द नेटिव दैट वॉज द आइडिया बिहेंडेड तो बोथ साइड्स ऑफ दॉर वॉर जब होती है तो ये यूके यूएस फ्रांस वाले ये भी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं जर्मनी ऑस्ट्रेलिया टर्की वाले ये भी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों प्रोपोगेंडा करते थे तो उससे जो वो इनविंसिबिलिटी वाली जो इमेज थी यूरोपियन पावर्स की वो बेसिकली थोड़ी सी मलाइन हो गई थी ठीक दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करने लग गए थे बट सुन इट बिकेम क्लियर आफ्टर द पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जो पीस ट्रीटीज थी कि इंपीरियलिस्ट पावर्स हैड नो इंटेंशन ऑफ लूजिंग देयर होल्ड ओवर द कॉलोनी पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस क्या है आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन ऑल दीज विनिंग पावर मेट एट पैरिस टू डिस्कस कि जो ये लूजिंग पावर हैं इनके टर्म्स क्या होंगे दैट्स कॉल्ड एज द पैरिस पीस कॉन्फ्रेंस ठीक है तो उसके बाद

गोइंग इन टू एमोक्रेसी एंड द डिस प्रोमिस्ड ड्यूरिंग दर्ल्ड वार वन सो इसकी वजह से जो ये मल्च कल्चरल uh, और मिलिटरी सुपेरियॉरिटी थी वाइट्स की ये स्पेसिफिकली जो मिथ थी दिस वॉज इड एटलीस्ट द यूज टू प्रमोट कि हम uh, इस तरीके से सुपीरियर हैं सो हर जगह पे लाइक आफ्टर द वर्ल्ड वार वन टर्की इजिप्ट आयरलैंड ईरान अफगानिस्तान बर्मा मलाया फिलीपींस इंडोनेशिया चाइना एंड कोरिया एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया में हर जगह पर जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज थी एशिया और अफ्रीका में वो सारी की सारी बढ़ गई एंड देन वन मोर अबाउट द इंपैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन तो 1917 में 1917 में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन जब 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है रशिया इज बींग रूल्ड यू कैन इमेजिन काइंड ऑफ मोनार्क ठीक है उस समय रशिया के मोनार्क को या रशिया के किंग को जार कहते हैं जो कि ओवरथ्रो कर दिया गया था 1917 में 1917 में रशिया में दो रेवोल्यूशन होती है एक तो होती है फेब्रुवरी में विच इज कॉल्ड एज फेब्रुवरी रेवोल्यूशन एंड देन सेम सेम ईयर इन फेब्रुवरी 1917 एंड द सेम ईयर इज द अक्टूबर 1917 में दूसरी रेवोल्यूशन होती है जिसको कहते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन सो फेब्रुवरी 1917 में The political party of Russia overthrows the Tsar. and in October 1917, the communists basically overthrow that party also. So, Bolshevik Party of the Workers overthrew the Tsarist regime, Tsarist regime, and they founded the first socialist state called as the Soviet Union under the leadership of this guy, which is named Vladimir Ilyich Ulyanov.

एट दैट टाइम मैजिकल क्यों क्योंकि दिस बॉलशिविक पार्टी ऑफ द वर्कर्स जिन्होंने सोवियट यूनियन स्टैब्लिश किया था इन्होंने इमिजिएटली बिकॉज दे हैड अ प्रॉमिस राइट कि द कंट्री इज ऑफ द कंट्री बिलोंग्स टू दर्कर्स नॉट टू दुर्जुआ क्लासेस दैट वॉज द आइडिया तो इन्होंने जैसे ही किया है दे रिनाउंसिस दारेस्ट इंपीरियल राइट्स इन चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द एशिया और जो पुरानी कॉलोनीज थी रशिया की जो जो कॉलोनीज़ थी एशिया में उनको बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट दे दिए और अपनी कंट्री के अंदर जितनी भी एशियन नेशनलिस्ट थे उनको इक्वल स्टेटस दे दिया विद इन इट्स बॉर्डर मतलब एटलीस्ट द ओपनिंग वॉज गुड ऑब्वियसली इट स्टोरी इन द मूवी डी एंड वेरी वेल बट या बट दिस थिंग ह्यूज इम्पैक्ट सो दिस है वे टेक्निकली रशिया के अकॉर्डिंग उस समय सात नवंबर चल रहा था लेकिन उसके बाद वो कैलेंडर चेंज हो गया तो उसको रशिया uh, में अलग कैलेंडर फॉलो कर रहे थे इट हैपन ऑन सेवंथ नवंबर बट इट्स स्टिल कॉल्ड एज दी ऑक्टोबर रेवोल्यूशन बेसिकली ये पता चला कि पीपल एक्चुअली हैव अ पावर and they were capable of challenging the mightiest of the tyrants if they organized, ho united who determined or nothing. See, now we know, when we understand history, that the USSR basically uh, disintegrates in 1990s. And the communism didn't work as it was planned. But we, the people don't know it in 1970. And then it is basically just influencing the all other nationalists all over the world. The only message was that that if people are unite, united and organized, they can overthrow any kind of a regime, totalitarian regime. I need to tell you the oh we are uh, just pause a moment. I need to tell you about a very very super cool a super uh, cool means residential program of the Study IQ. What is it? Now means residential program of the Study IQ. What it does is that if you are a Study IQ student.

ऑफलाइन करोगे एंड ऑल ऑफ दोज एक्सपेंसिस वुड बी पेड बाई स्टडी आई मतलब कि आपके यहाँ पे रहने के खाने के और पढ़ने के टेस्ट सीरीज के ऑल ऑफ दैट वुड बी डन इन द स्टडी आई क्यू कैंपस या मैं सिंपल सी बात एक्सप्लेन करता हूँ दैट अगर आप स्टडी आई के स्टूडेंट हैं या अगर आप स्टडी आई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यू गो ऑन द स्टडी आई वेबसाइट राइट एंड यू गो ऑन द स्टडी आई वेबसाइट दिस इज हाउ द होम पेज विल लुक एंड देन यू गो ऑन द यू लाइव एक्सप्लोर कोर्स मतलब अगर आप यूपीएस का कोई पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एंड एनी वन विच यू वॉन्ट टू जॉइ सो दिस वन लेट सी दिस इज यू पी एस सी एस प्रम्स टू इंटरव्यू बैच ठीक है ये वाले बैच के बारे में बात करते हैं इट इज बिगनिंग ऑन द ऑफ अप्रैल लेट्स से नाउ दिस शोज दैट इट इज फॉर सिक्सटी थाउजेंड वेट सेक वो यूजुअली हम कोई कोड एंटर कर सकते हैं जैसे एड प्रोमो कोड में हमने किया अमित लाइव जस्ट एंटर्ड अमित लाइव एंड वी अप्लाइड इट एंड इट ऑब्वियसली ओनली कॉस्ट यू थर्टी थाउजेंड ठीक है डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम नाउ द थिंग इज दैट कि जो भी स्टूडेंट अब इस कोर्स के अंदर एडमिटेड है वेवर हैव टेकन एडमिशन इन दिस कोर्स अगर आप अगर दो हजार चौबीस में प्रिलिम्स क्लियर कर लेते हो तो यू गेट कंप्लीटली फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम इन दिल्ली मतलब की द ओनली थिंग विच आई एम गोइंग टू आस्क यू इज टू क्लियर प्रिलिम्स एंड वी विल लिटरली टेक कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू क्लियरिंग योर मींस हमें जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस लिए आती है डेली आना या किसी मेट्रो सिटी में आके प्रिपेयर करना ऑफलाइन कोचिंग के लिए दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि एक महीना यहाँ पे रहने का एक्सपेंसिज लाइक सिक्स सिक्सटी थाउजेंड रुपीज हो जाता है इफ़ यू हैव क्लियर प्रिलिम्स एंड इफ यूर स्टडी आई यू स्टूडेंट द स्टडी आई यू विल टेक केयर ऑफ इट ओ बाई द वे अगर ऑप्शनल भी करना हो तो दिस वन इज वट पी एस आई आर वो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि आपको ऑप्शनल कौन सा करना है बट देर आर सेवरल ऑप्शन तो जैसे कि अगर आपको पी एस आई आर ज्वाइन करना है तो वो भी वैसे ही कर सकते हो लाइक यू जस्ट गो ऑन एंड यू लाइक अमित लाइव एंड स्टफ डू अमित लाइव एंड अप्लाई इज फॉर सिक्सटीन थाउजेंड ठीक है सो दिस कैन बी डन सो और कौन कौन से ऑप्शन है जस्ट हैव लुक एट इट देर आर यू कैन डू सोशियोलॉजी जोग्राफी एंड हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

उन्होंने आ, अपनी इनिशियल आ, जो मूवमेंट्स थी जो बेसिकली चंपारण खेड़ा या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं उसका टाइम पीरियड था 1917 से लेकर तक अच्छा 1918 के बाद 1919 के बिगनिंग में 1919 के बिगनिंग में यहां पे फेबर मार्च में द ब्रिटेन गवर्नमेंट पास रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट जिसके अगेंस्ट सत्याग्रह या फिर बेसिकली एक काइंड ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट बिगिन होते हैं और उसी पीसफुल प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे अप्रैल थर्टीन को होता है जलियावाला बाग मैसाकर राइट right? सो द सिचुएशन इज कि गवर्नमेंट ने एक पास लॉ पास किया था रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट क्या होता है कि वो जो लिबर्टी होती है मतलब कि किसी भी इंडियन को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था बिना उसको ट्रायल पे ले जाए उसको दो साल के लिए इंकारसरेट किया जा सकता था बेसिकली हीबल स्कॉर्पस जो थी सस्पेंड कर दिया गया था रॉलेट एक्ट के द्वारा तो इसके अगेंस्ट इस इंडिया प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया उसी प्रोटेस्ट के दौरान जो सबसे ज़्यादा उस समय ज़्यादा सबसे चार्ज्ड पॉलिटिकल एटमोस्फेयर था दैट वॉज इन दी पंजाब तो अमृतसर में उसी कॉन्टेक्स्ट में अप्रैल तेरह में कुछ सभा बुलाई गई थी जिसके ऊपर बेसिकली ब्रिटिश एक पुलिस ऑफिसर ने गोलियां चलवा दी विच बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टरस इवेंट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी जलिया वाला बाग मैसेकर जलिया वाला बाग मैसेकर ये 1919 की बात चल रही है समवेयर हियर इन ऑगस्ट सितंबर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पास होते हैं मॉन्फोर्ड रिफॉर्म्स पास होते हैं और उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर में अक्टूबर 1919 ये नाइनटीन उन्नीस की बात कर रहा हूँ और अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी बिठाई जाती है इस जलियावाला बाग मैसकर को इंक्वायर करने के लिए ठीक है दिस इज वेर दी हंटर कमेटी तो आज हम ये करेंगे बट हम थोड़ा सा नॉन uh, टाइम के साथ कर रहे हैं अभी पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं ठीक है वी आर इन दाइनटीन नाइनटीन ऑगस्ट मॉन्फॉर्म फिर हम इसके बाद हम गांधी जी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे ठीक है सो लेट्स गो ऑन द मॉन्टे चैफ रिफॉर्म मॉन्टेक चैन रिफॉर्म्स क्या थे ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली कभी कभी ना उन्होंने बातों बातों में वर्ल्ड वॉर वन के समय में ये डिस्कस कर दिया कि या वी विल गिव सम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और ये सो so इससे पहले 1909 में हुए थे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स मिंटो मॉर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ठीक है उस समय सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मिंटो था मॉर्ले बेसिकली इंडिया का वाइस हुआ था अब यहां पर मॉन्टेग सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है और चैम्सफोर्ड जो है वो वायसुराया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर दोबारा से जो नाइनटीन में किया था द कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी कैरेट एंड द स्टिक पॉलिसी क्या है कैरेट मतलब कि यू शो समथिंग टू पर्सन वी विल गिव यू यू दिस वुड वॉन्टेड दोज वर लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उन्नीस सौ में भी कांग्रेस को प्रॉमिस किया गया था कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये जो आप यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट काम डाउन विच मॉडरेट्स एक्चुअली अग्रीड इन द होप कि मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स में उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा

montague चांसफॉर्म रिफॉर्म्स एंड and the stick was basically represented by the एट एक्ट ठीक है दो इंपॉर्टेंट लॉज पास हो रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में मॉन्टेक चांसफॉर्म मॉन्टेक जो कि उस समय हमारे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हुआ करते थे इंडिया के उन्होंने अगस्त 1917 में एक स्टेटमेंट दी थी uh, जो कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया वि जस्ट मेंट की ब्रिटिश गवर्नमेंट है प्लान टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया ऐसा उन्होंने कहा था तो उसके कॉन्टेक्स में जुलाई नाइनटीन में उन्होंने अनाउंस किया के, के हिसाब से थोड़ी सी याद रखनी है तो अभी हम 1919 के अगस्त के बारे में बात कर रहे हैं जब हमारे रिफॉर्म्स आते हैं और है क्या मतलब ये पॉलिटी वाली चीज है बेसिकली उस समय कॉन्स्टिट्यूशन है दिस इज लिटरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम इन्होंने क्या किया Uh, इसमें मॉन्टफॉम रिफॉर्म्स में, मौन, में होता क्या है so, सो अगर आप 1920 में होते सो so हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम में दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पीकिंग तो सुनो क्या होता है इन्होंने क्या किया मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायर की इंट्रोड्यूस की सो देर इज सिस्टम एक तो वहां पर यूके में ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो कि हमारे लिए लॉज बनाता है यहाँ पे हमारा वाइस रॉय है विच इज़ बेसिकली दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन देर आर प्रोविंसेस इन इंडिया उस समय ग्यारह प्रोविंसेस हुआ करते थे और उसको कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ठीक है उनको दैट इज हेडेड बाय अ गवर्नर ठीक है तो जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है मतलब कि उस समय की स्टेट्स जैसे आज महाराष्ट्र है तो उस समय बेसिकली बॉम्बे एक प्रोविंस था तो उस उस समय की जो स्टेट्स थी उस स्टेट के लेवल पर इन्होंने डायर की इंट्रोड्यूस की व्हाट एग्जैक्टली इज डायर की डाय मतलब टू डायर का मतलब होता है रूल ऑफ टू एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड दी पॉपुलर मिनिस्टर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड तो जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट हो कैसे चलती है द पर्सन इलेक्टेड इज द चीफ मिनिस्टर और उसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको बेसिकली क्या नाम है एडवाइस करते हैं ये दोनों के दोनों इलेक्टेड है देन देयर इज अ गवर्नर आल्सो हु इज नॉट इलेक्टेड रादर ही इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर पर उनका प्राइमली काम सिर्फ और सिर्फ लॉ लॉज के ऊपर साइन करना है या फंक्शन करना है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर राइट ही इज द एग्जीक्यूटिव बट टिटुलर एक्जीक्यूटिव जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर होता है इन 1919 आफ्टर द मॉन्टेक चेंजफोर्ट रिफॉर्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक्चुअली में टू गवर्नमेंट्स थी मतलब कि प्रैक्टिकली दो लोगों के पास पावर थी वन दिस गवर्नर

काइंड ऑफ गवर्नर एंड देन देर आर सम सेलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज होती है उस पर ठीक है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स है प्रोविंशियल असेंबली के प्रोविंशियल असेंबली अज्यूम द प्रीकर्सर ऑफ द विधानसभा नॉट एक्जैक्टली बट उसके प्रीकर्सर जो है अब इन्होंने दो लिस्ट बना दी एक तो रिजर्व लिस्ट बना दी और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बना दी ट्रांसफर्ड लिस्ट इसके अंदर कुछ है जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है सब्जेक्ट है जस्टिस ठीक है इसके अंदर भी कुछ सब्जेक्ट है जैसे हेल्थ हो गया जैसे एजुकेशन हो गया सो दिस गवर्नर ठीक है विच इज नॉट इलेक्टेड और समथिंग ये बेसिकली डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पॉइंट होता है ये रिजर्व लिस्ट को एडमिनिस्टर uh, करेगा एंड दिस एग्जीक्यूटिव काउंसलर दे विल एडमिनिस्टर और दे विल ओवर दिस ट्रांसफर लिख दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज डाई आर की क्यों क्योंकि पावर दो लोगों दो जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राइट सब्जेक्ट्स फॉर डिवाइडेड अब ये याद करना जरूरी है कि रिजर्व लिस्ट में अगर तुम देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले लॉज आ रहे हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर दैट इज इंपॉर्टेंट लाइक पुलिस मिल गई इसको फाइनेंस मनी मिल गई इसको लैंड रेवेन्यू अगेन मनी इसके हाथ में आ गई इरीगेशन ओके ऑल द पाव गुड वन द गुड आर इन रिजल्ट और ट्रांसफर्ड कौन कौन से हैं एजुकेशन हेल्थ लोकल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ये कौन सी चीज होती है जहाँ पे खर्चा लगता है द स्टेट हैज़ टू स्पेंड ऑन एजुकेशन स्टेट हैज टू स्पेंड ऑन दी हेल्थ एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम इथ द ड की सब्जेक्ट बट टू एडमिनिस्टर्ड बाई गवर्नर थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे दे वर एडमिनिस्ट बाय द मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर हैं उनके जो मिनिस्टर्स थे वो इनको करेंगे अब मिनिस्टर्स जो थे दे वर टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और अगर रिजाइन कर देंगे अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है अगेंस्ट दिन लेजिस्लेचर वाई द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वर नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर दो तरीके का सिस्टम बना दिया है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट ऑल्सो तो दो जो मिनिस्टर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट दिए गए हैं बट अगर गवर्नर चाहता तो बेसिकली उनको

जो रिजर्व सब्जेक्ट है उनके ऊपर इंटरफेयर कर सकता था नाउ रिमेंबर दिस इज हैपनिंग ऑन द लेवल ऑफ द प्रोविंस नॉट एट द सेंट्रल लेवल सेंट्रल लेवल में ऐसी कोई बाइफर्केशन नहीं हुई है वहां पे सब कुछ वाइस रॉय के हाथ में है प्रोविंसिस के लेवल पे डायर की इंट्रोड्यूस की है यह बात ध्यान रखना है कि मॉन्टफोर्ड मॉन्टेग चांसफोर्ड रिफॉर्म्स में डायर की इंट्रोड्यूस हो रही है सिर्फ प्रोविंसिस के लेवल पे सेंट्रल लेवल पर नहीं फिर कुछ इन्होंने लेजिस्लेचर में चेंजेस किए थे दिस इज बेसिकली देयर आइडिया ऑफ गिविंग पावर टू इंडियंस ये जो इन्होंने दो लिस्ट बनाई है ना रिजर्व और ट्रांसफर तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स मिनिस्टर्स के हाथ में चले गए दिस इज देयर आइडिया ये यूनाइटेड किंगडम्स के जो उस समय हमारे जो मतलब दिस इज देयर आइडिया यूनाइटेड किंगडम सोच रहे हैं कि वो पावर दे रहे हैं इंडियंस को इस तरीके से वी ऑब्वियसली वुड नॉट बी हैप्पी क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस रेवेन्यू फाइनेंस वो तो तुमने अपने पास ही रखे हुए हैं दैट इज द प्रॉब्लम विच विल कम लेटर ऑन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे दे वर फर्दर एक्सपेंडेड साइज बढ़ाइए गए थे कम्युनल एंड द क्लास इलेक्टोरेट्स वाज फर्दर कंसोलिडेटेड अब मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स में क्या हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को इन मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स इसको बढ़ा दिया गया किसको और दे दिया सिख को भी बेसिकली एक्स्ट्रा दे दिया गया दिस वाज न्यू सिख का भी सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया था एंग्लो इंडियंस का भी बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया था क्रिश्चियंस का बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट मॉन्सोन रिफॉर्म और और एक्स्ट्रा गए थे विमेन वर आल्सो गिवन राइट टू वोट डोंट बी हैप्पी ऐसा नहीं था कि बहुत सारी वुमेन को मतलब लेस देन पॉइंट वन परसेंट वुमेन्स को बेसिकली राइट टू वोट मिले थे लेजिस्लेटिव uh, काउंसिल को लेजिस्लेशन बनाने के लिए कुड रिजेक्ट द बजट बट द गवर्नर कुड रिस्टोर इट इफ नेसेसरी लेजिस्लेटर एंजॉयड स्लाइटली फ्रीडम ऑफ द स्पीच मतलब कि काउंसिल के अंदर बेसिकली कुछ भी बोल सकते थे वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एट जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइट्रॉय की एट उसके अंदर तीन इंडियंस हो गए थे ये हमने डिस्कस किया था वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नाइनटीन में बेसिकली इंडियंस को इंट्रोडक्शन मिली थी अब वो बढ़ा के आठ हो चुकी थी जिसमें बेसिकली तीन इंडियन होते थे दो गवर्नर जनरल के पास फुल कंट्रोल था रिजर्व का चाहे वो प्रोविंस में हो या नहीं हो बेसिक चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें अभी तक हम सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म्स ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चेंजेस किए दीज आर दो चेंजेस ठीक है अब हम बात करें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किए गए थे

सेंट्रल में इन्होंने लेजिस्लेचर में क्या किया एक बाई कैमरल अरेंजमेंट बना दी सो फॉर द फर्स्ट टाइम जो हाउस हुआ करते थे वो दो कर दिए इन्होंने द लोअर हाउस ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इसके अंदर 145 मेंबर और उसकी बाईफर्गेशन 41 नॉमिनेटेड 104 सौ इलेक्टेड बावन जनरल 30 मुस्लिम दो सिख 20 स्पेशल और फिर एक बना दिया गया काउंसिल ऑफ द स्टेट

थ्री इयर्स अभी जैसे हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लोकसभा पाँच साल की होती है उस समय तीन साल की होती थी ये वही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें बेसिकली भगत सिंह बॉम्ब फेंकते हैं लेजिस्लेटर कुड आस्क क्वेश्चन सप्लीमेंट बट बजट को ज्यादातर वोट नहीं किया जा सकता था कुछ इंडियंस को बेसिकली इंपॉर्टेंट कमिटीज में जगह भी मिली थी एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज हैंस फोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द ब्रिटिश एक्सचैक्कर इससे पहले उसको बेसिकली इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाता था बट अब जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है वो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो ये जी ओ आई एक्ट नाइनटीन नाइनटीन की बात करें तो इसी चीज को मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं या फिर इसको मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उस समय हमारा भारत देश जो है इस लॉ के ऊपर right? so, तो इंपॉर्टेंट वाला है डाईआर ये बात ध्यान रखना और थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि डायरकी में जो रिजर्व लिस्ट है उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं बिकॉज इसलिए एक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा चुका है और मतलब रिजर्व का पूछा जा चुका है किसी दिन ट्रांसफर्ड का भी पूछ सकते हैं ठीक है एंड देन ऑल्सो रिमेंबर कि यहां पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसको बेसिकली बाई कैमरल बना दिया गया था टू हाउसेस और ये जो डायर की है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल असेंबलीज पे अप्लाई हो रही है ये सेंट्रल वाले पर नहीं होती है 1935 में प्रोविंस से हटा के सेंट्रल पर अप्लाई हो जाएगी ठीक है ये जो रिफॉर्म्स आए थे दे हैड अ वेरी ड्रॉबैक देखो तो उसमें सबसे पहले तो फ्रेंचाइज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी अब हमें इसको क्रिटिसाइज़ करना है लाइक वी हैव टू हैव अ क्रिटिकल व्यू पॉइंट की मॉन्टेक वाई इंडियन व रहना अनहैप्पी सबसे पहले द तो फ्रेंचाइज वर लिमिटेड इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू तो सम समन एंड अ हाफ मिलियन फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेचर तो सेंट्रल लेजिस्लेचर जो उस समय का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ये एक लोगों की इसके इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन 26 करोड़ की जनता में से सिर्फ और सिर्फ 15 लाख लोग हैं जो कि बेसिकली वोट कर सकते हैं पॉपुलेशन उस समय 26 करोड़ के करीब है लेजिस्लेचर हैड नो कंट्रोल ओवर दी वाइसरॉय एंड एन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई हुई है लेकिन ये वाइस रॉय इंडिपेंडेंट आदमी है इसके ऊपर कोई रोल रिस्पॉन्सिबल मतलब गवर्नमेंट नहीं है दि इज नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट वॉज नॉट सेटिस्फेक्ट्री एट दी सेंटर एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर सेंट्रल प्रोविंज वॉज बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ठीक है चलिए कोई बात नहीं इसके बारे में कोई खास वाली बात नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा प्रोविंस के लेवल पर जो ये डिवीजन था सब्जेक्ट्स का पैरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू पार्ट इशनल था इरीगेशन फाइनेंस पुलिस प्रेस और जस्टिस इंपॉर्टेंट वाले रिजर्व कर दिए गए थे गवर्नर के लिए और जो नॉन इंपॉर्टेंट टाइप के थे वो मिनिस्टर्स के लिए छोड़ दिए थे

स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 क्योंकि ये मॉन्टेक अगस्त उन्नीस अगस्त 1918 में पास किए गए हैं एट बॉम्बे याद रखना है हमें कांग्रेस के सेशंस का हसन इमाम उस समय उसके प्रेसिडेंट थे और रिफॉर्म्स के अगेंस्ट उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजिशंस रखी कि ये डिसअपॉइंटिंग और अनसेटिस्फैक्ट्री है बल्कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए देवर Termed as unworthy and disappointing, a sunless dawn. It's an important quotes question jate, that like who described the montague for reforms as a sunless dawn? And then we give an option. So Bal Okay. Tilak And Annie Besant also said they were unworthy of England to offer and in India to accept. She probably said it in that tone. I hope so. I don't know so. So that was it. So Montague-Chandar reforms पढ़ लिए. बट अब हम आते हैं मेन वाले मुद्दे पे कि 1915 में महात्मा गांधी एंटर्स दी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो तो थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं एक तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इनका 1800 सॉरी 1893 से लेके 1915 दिस इज टेक्निकली मेकिंग ऑफ गांधी गांधी में क्या है कि साउथ अफ्रीका में जो महात्मा गांधी का समय है उस समय इन्होंने वहां पे कुछ इट्स लॉन्ग टाइम लाइकोस्टेंटी टू ट्वेंटी सालों में इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट किए थे राइट जैसे इन्होंने एक टोल टैक्स लगता था इंडियंस के ऊपर मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट था so, three, जो की विच फॉट अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम दी परस्पेक्टिव ऑफ आवर एग्जाम हमें वो सारे के सारे पढ़ने हैं देन ही कम्स टू इंडिया इन नाइनटीन फिफ्टी ट्रेवल्स इंडिया फॉर वन ईयर और फिर सेवनटीन और एटीन के अंदर इनके तीन इंपॉर्टेंट uh, वो है मूवमेंट्स हैं चंपारन खेड़ा और क्या uh, नाम है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्री एंड so फिर उसके बाद फिर हम रॉलेट पे आ जाएंगे देन ही स्टार्ट फिर वो बेसिकली मेन स्ट्रीम हो जाता है ये थोड़े से लोकलाइज है चंपारण इज लोकलाइज्ड खेडा इज लोकलाइज अहमदाबाद इज लोकलाइज्ड और फिर रॉलेट एक्ट के पे, वो पैन इंडिया लीडर बन जाते हैं देन uh, जलियावाला बाग मैसे कर फिर उसमें पता चल जाएगा सो मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आप मोस्ट प्रोबली डेफिनेटली बाकी सारे नेशनलिस्ट लीडर से, से ज्यादा जानते हो गए ही वॉज बॉर्न इन दक्टोबर टू ऑफ एटीन हंड्रेड इट्स अशनल हॉलीडे अठारह सो उनसठीन सिक्सटी नाइन उनहत्तर नवासी उनसठ तो फिफ्टी अठारह सौ उनहत्तर इन पोरबंदर और उस समय काठियावाड़ गुजरात में उनके पिताजी दीवान थे ऑफ द स्टेट दीवान यू कैन से हिज फादर वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एग्जैक्टली बट क्लोज बाय ठीक है इम्पोर्टेंट थे उन्होंने uh, गांधी जी लॉ पढ़ने गए इंग्लैंड में थिंक अबाउट इट ही वेंट टू इंग्लैंड इन एटीन एटीज़ अठारह के समय में मतलब हम आज भी

पॉपुलर अगर आपने कभी मूवी में देखा हो या कहीं किताब में पढ़ा होगा कि ही वॉज ट्रेवलिंग ही वॉज अ लॉयर सो इनको इन्होंने अपने कनेक्शन यूज करके इन्होंने अपनी ट्रेन की फर्स्ट क्लास सीट बुक करा ली थी बट द साउथ अफ्रीका के अंदर काफी मेजर रेसिज्म चला करता था सो so, इनको रात को बेसिकली ही वॉज ओवर थ्रोन बाहर निकाल के फेंक दिया इनको उस ट्रेन से एंड ही हैड टू स्पेंड दैट नाइट ऑन द प्लेटफॉर्म वॉज अ कोल्ड नाइट दिस इज वेयर गांधी डिसाइडेड टू फाइट फॉर स्टेट सो ही विटनेस दिस रेसिजम एंड द्यूमिलियन जो कि बेसिकली एशियंस को मिलता है uh, या वहां पर जो जो लेबर्स थे इंडियन लेबर्स थे उनको बेसिकली सब्जेक्ट किया जाता था यूरोपियंस uh, के द्वारा या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा सो एंड ही डिसाइडेड टू स्टे कि वो साउथ अफ्रीका में रहेंगे ही ऑर्गेइज द इंडियन वर्कर्स एंड ही लाइक फाइट फॉर दियर राइट्स एंड ही स्टेड देयर टिल नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन उसके बाद वो इंडिया आए थे रिटर्न टू इंडिया ऑन नाइन्थ जनवरी नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन विच इज दैट इज द रीजन वाई इट इज सेलिब्रेटेड एट प्रवासी भारतीय दिवस इसको स्पेसिफिक रीजन है क्योंकि गांधी जी उस दिन वापस आए थे तो पहले साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में साउथ अफ्रीका में तीन प्रकार के भारतीय थे द इंडियंस पर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज द फर्स्ट वन इनडेंचर्ड इंडियन लेबर कॉन्ट्रैक्टेड ठीक है तो 1860 के समय में द और द ब्रिटिशर्स टुक इंडियन लेबर फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था तो दैट देवर कॉल इज इन डेंचर्ड लेबर्स मतलब कॉन्ट्रैक्टेड लेबर सो ये इनडेंचर्ड का मतलब हो गया

ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द यूरोपियन प्लांट यूरोपियंस के पास बड़ी सारी सी प्लांटेशन है तो उनको इंडियन लेबर की जरूरत है तो कॉन्ट्रैक्ट पे उनको ले आए टू मर्चेंट्स मोस्टली मेमम मुस्लिम्स हु फॉलोड द लेबरर्स अब ये मेमन मुस्लिम्स एक कैटेगरी है जो कि गई है लेकिन दे आर नॉट इंडेंचर्ड मतलब इनके साथ कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो तो इन्होंने देखा कि हाँ वहां पे पॉपुलेशन है तो उधर काम वाम करेंगे एंड थ्री द एक्स इंडेंचर्ड लेबर्स वेड सेटल डाउन विद देयर चिल्ड्रन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक आइडिया सिस्टम समझ गए ना तो अठारह में साउथ अफ्रीका की प्लांटेशन को लेबरर्स की जरूरत थी सो साउथ अफ्रीका इज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया इज ऑल्सो अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड कि यहां से लेबर्स ले जाना चाहते हो तो ले जाओ ठीक है ले गए तो कैसे ले गए इनडेंचर करके कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए तो पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था तो वहां पे पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद इस बार परमिशीट की पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो, तो वहीं पे सेटल हो जाना तो एक तो इनडेंचर लेबर है जो कि सारे के सारे उस समय कॉन्ट्रैक्ट में है ठीक है दे कांट डू एनीथिंग एल्स ये तो बेसिकली काइंड ऑफ स्लेव है देन देर आर एक्स इंडेंचर्ड जिनके पिछले बीस पच्चीस सालों में बड़े सारे से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुके हैं एंड देन इनके साथ देर इज अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स मेमन मुस्लिम्स

इनके लिए प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस थी कि यहीं पर रह सकते हैं भाई तुम यहां रहा करो मतलब ये अलग से गेटो बना रखा है तुम्हारे लिए जो कि इनसेनेटरी थी कंजस्टेड थी और बड़े सारे से मतलब जेनुअनली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एग्जिस्ट करते थे मतलब कि देर प्लेसेस जहां पर एशियन और अफ्रीकन चल ही नहीं सकते थे कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द डोर्स आफ्टर नाइन पी एम राधर वो पब्लिक फुटपाथ्स भी यूज नहीं कर सकते ऑल दीज इंसीडेंट्स ऑल दिस थिंग इट इज इट इज अ मूवी विच इज जस्ट नेम्ड गांधी मतलब मूवी का नाम ही गांधी है इट द बायोग्राफी ऑफ गांधी नाइनटीन हंड्रेड एट्टी टू में बनी थी इट्स नॉस्कर विनिंग आर्ट ऑस्कर जीते थे मूवी तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मूवी डिकस शोज दीज थिंग्स तो बहुत ब्यूटिफुल शो करते हैं लाइक इफ़ यू गेट टाइम डू वॉच इट समे सो दिस वन अब हम गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी का जो ये फेज़ है अट्ठारह सौ चौरानवे से लेकर उन्नीस सौ छः तक इसको कहते हैं मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल रियरली एटीन एटी फाइव से उन्नीस सौ पाँच कांग्रेस का मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल है तो अठारह से 1906 गांधी जी का भी मॉडरेट फेज़ है फिर उसके बाद 1906 से 1914 पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह और 1915 में बेसिकली फिर वो इंडिया आई गई है तो ड्यूरिंग दिस फेज मॉडरेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी स्पीकिंग जो तरीके हैं टू प्रोटेस्ट Uh, उस, उसी में बेसिकली रिलेटिव डिफरेंस है सो पेटिशन और मेमोरियल्स दिया करते थे lawyer, so to, uh, well family, कि उन्नीस सौ पंद्रह तक गांधी जी का आइडिया ये था कि इट्स द ब्रिटिशर्स सिंपली नो इट मतलब कि अगर मैं उनको अच्छी तरीके से प्लाइट ऑफ इंडियंस बता दूं अगर ग्रीवांस उनके सामने सही तरह से पुट करेंगे सो दिल एक्चुअली रीड रेस इट दिल सिंपली रीड रेस इट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम इन दी एंड एट दैट टाइम ऑल दस पीपल आर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स राइट अठारह से 1906 के समय में टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया ही सेटअप दी नटाल इंडियन कांग्रेस और इन्होंने एक पेपर भी स्टार्ट किया इंडियन ओपिनियन ठीक है सो so, नटाल एक जगह का नाम है इट्स अ प्लेस इन साउथ अफ्रीका एंड उन्होंने वहां पर जाके नटाल इंडियन कांग्रेस सेटअप कर में 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 सबसे ज्यादा भारतीय है जो उस समय रहते थे और इन्होंने भी स्टार्ट किया वहीं पे ये साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका इंडियन इंडियन ओपिनियन इज स्टार्टेड महात्मा गांधी इन ठीक है 1906, जहां पे थोड़े से ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस के तरीके अपनाने लगे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए वट इज सिविल डिस सिविल का मतलब जब लोग लॉ लो को डिस कर देते हैं सिविल डिसोबिडियंस पीपल एट लार्ज जस्ट डिस द लॉ दे आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ दे जस्ट डिस इट इन देंस कि जैसे uh, कि साउथ अफ्रीका में एक लॉ है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना है मैरिजेस का ओके यू हैव टू कैरी एन आई डी कार्ड विद यू सो महात्मा गांधी वुड डू जस्ट गो एंड बर्न द आई डी कार्ड बिकॉज ही से दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी ओनली एशियंस एंड इंडियंस Have to carry ID card, the Europeans don't have to. Why? We are equal, right? So I'll just burn the ID card. So it's basically civil disobedience. May resist karunga. I will not attack. But the violence passive resistance. May resist karunga passively. I'm not gonna attack you because that is like active resistance. I'm gonna passively resist. सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो मॉडरेट फेज के अंदर तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है हम 1906 से 1914 के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर इवेंट थे सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स साउथ अफ्रीका में 1906 के करीब में एक नया लॉ पास किया गया जहां पे उस समय के जो इंडियंस थे कंपल्सली उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैरी करने पड़ते थे अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ यूरोपियंस नॉट नीडेड टू कैरी दैट स्लाइटली ह्यूमिलेटिंग स्लाइटली डिस्क्रिमिनेटरी सो गांधी जी की लीडरशिप ने सोचा कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी मेजर है सो वी सोर गोइंग टू डू समथिंग सो ही फॉर्म्ड अ पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन याद रखनी है सारी चीजें फॉर्म्ड दी पैसिव रजिस्टर्स एसोसिएशन कि इस कैंपेन मतलब वर्ड एसोसिएशन लोग ज्वाइन करेंगे और हम डिफाई करेंगे इस लॉ को वी विल डिफाई द लॉ एंड वी विल सफर ऑल द पेनल्टीज कर दो हमें जेल में ले जाना चाहते हो ठीक है जेल में ले जाओ वील सफर ऑल द पेनल्टीज दस वाज बॉर्न सत्याग्रह द टेक्निक ऑफ रेजिस्टिंग एडवर्सरी विदाउट वायलेंस सो गांधी बेसिकली स्टार्टेड बर्निंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पैसिव रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन के लोग थे इकट्ठे जाते थे कहीं पे किसी पब्लिक चौराहे पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को बर्न कर देते थे द गवर्नमेंट जेल्ड गांधी अदर्स रिफ्यूज टू जो और कोई रजिस्ट्रेशन कराने से जिन्होंने मना कर दिया उनको भी जेल कर दी एंड इंडियंस अंडर द लीडरशिप स्टार्टेड पब्लिकली बर्निंग सो दिस ऑल दिस शोड अप इन द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन अ बैड लाइट और बाद में फिर एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो गया फिर प्रॉब्लम पता तो मैं क्या वीअर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो वी हैव अ ह्यूज डिस्टेंस टू सी दीज थिंग्स ठीक है हमने बहुत आसानी से देखते हैं were, were so new में वेन दीज थिंग्स फॉर हैपनिंग racist regime सो न्यू सो इनोवेटिव to रेसिस्ट रिजीम हैज नो आइडिया हाउ टू happening टू इट द सिविल डिसोबीडियंस वॉज हैपनिंग फॉर is टाइम इन दर्ल्ड दिस इज नॉट happened बात पहले नहीं कितने भी टोटेलिटेरियन रिजिम थे नो बड़ी यूज टू लाइक कि ये लॉ इनजस्ट है तो मैं इसको फॉलो ही नहीं करूंगा Sometimes when we see something very novel, we simply have no way to react. This actually happened with the British government in 1910s 1940, 1940s. 40's Campaign restrictions on the Indian migration. There were two important towns in South Africa. One is Natal and another is Transvaal. ठीक है बहुत ज्यादातर जो भारतीय थे वो यहां नटाल में रहते थे और जो ये ट्रांसफॉल नाम का प्रोविंस था इनको यहां पर कभी कभी ट्रेवल करना पड़ता था सो so, यहां पे इंडियन माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन कर दी सो द इंडियंस डिफाइड दिस लॉ बस बेसिकली था कि नटाल से ट्रांसफार में जाने पे माइग्रेट कर रखा था कि इंडियंस नटाल में रहेंगे दे नॉट गो तो टू द ट्रांसफार ठीक है वो वहां पे नहीं जा सकते जाने थे तो कुछ उनको पेमेंट वेमेंट भी करनी पड़ती थी सो so दिस अगेन गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लॉ बाई क्रॉसिंग ओवर फ्राम वन प्रोमिन तो था नटाल से सारे के सारे इट्टे भीड़ चलती थी इनकी uh, कैंपेन की सत्याग्रह की वो ट्रांसफर में चले जाते थे लाइसेंस अपना देते नहीं थे यहीं पर साउथ अफ्रीका में गांधी ऑल्सो रैना कैंपेन अगेंस्ट दोल टैक्स 1860 में जब ब्रिटिशर्स बड़े सारे लेके ले गए तो उन सबका कॉन्ट्रैक्ट होता था, था पांच पांच साल कांग्रेस तो so, so, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट ही वो कॉम्पीट करने लग गए लेबर सो द ब्रिटिश इंडस्ट्रियर द्लेंटेशन ओनर्स थे दे प्रेर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्पोज अ टैक्स ऑन

टेन शिलिंग्स एक पाउंड में होते हैं बीस शिलिंग ठीक है तो मतलब टेन मतलब हाफ अ पाउंड तो हाफ पाउंड आदमी एक महीने में कमाता है तो टोटल 6 पाउंड कमा रहा है वो पूरे साल में और उसपे तीन पाउंड का टैक्स है ये पच्चीस पाउंड था महात्मा गांधी के पेडिशन वेडिशन से द थ्री पाउंड बट स्टिल थ्री पाउंड्स ऑन पीपल अर्निंग बेसिकली सिक्स पाउंड इन ईयर मतलब कि आपकी पूरी हाफ आपकी लाइक हाफ ऑफ योर एनुअल सैलरी वॉज बेसिकली द टैक्स इससे यह क्या होगा कि जो महात्मा गांधी का जो उस समय इंडियन नेशनल नटाल इंडियन कांग्रेस था और जो उनका ये स्पेसिफिकली पैसिव रजिस्टर्स एसोसिएशन था इसका बेस बढ़ गया क्योंकि सारे के सारे जो एक्स इंड लेबर्स थे दे ज्वाइन द कैंपेन एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड देन देर वॉज एन इन वेलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिज इज ऑल्सो नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन के समय में जो उस समय सुप्रीम साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जिसकी इंटरप्रिटेशन ये निकली कि उन्होंने सारी की सारी मैरिजेस को इनवैलिडेट कर दिया विच वर नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन राइट्स या जिनको रजिस्टर नहीं करा रखा था सो ऑल द हिंदू ऑल द मुस्लिम जितने भी मैरिजेस थे दोज वर इलीगल लाइक नॉट इलीगल इनलेजिटीमेट एंड ऑब्वियसली बाय

सो so, इंडियंस ने इस ट्रीटमेंट और सॉरी मतलब इस जजमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी विच ऑब्वियसली जैसे वो लॉ तो बनती है विच ट्रीटेड एज एन इंसल्ट टू दिनर एंड उसकी वजह से बहुत सारी सी विमेन भी जो थी दे वर् ड्रॉन इन टू दी मूवमेंट और यही जैसे कि जो मैंने वो बताया था रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडियन माइग्रेशन दिस वॉज बेसिकली द ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था कि नटाल में रहने वाले भारतीयों को बेसिकली ट्रांसवाल नहीं जाने दिया जाता था तो महात्मा गांधी की जो पैसिव रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन थी सो दे यूज टू लाइक Go in hordes and cross from Natal to Transvaal and they would like like arrest us, ठीक है इन इंडिया गोखले टूवर्ड द होल कंट्री उस समय गोपाल कृष्ण गोखले मेंटर कहें हैं वो महात्मा गांधी जी के तो उन्होंने मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियन को इन सपोर्ट ऑफ द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका इवन दी वाइस रॉय लॉर्ड हार्ड एट दैट टाइम कंडेम्ब द रिप्रेशन एंड कॉल फॉर दम्पार्शल इंक्वायरी सो ड्यूरिंग 1900 और नाइनटीन हंड्रेड और 12 ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में बड़े सारे से रही नटाल से बेसिकली क्या नाम है ट्रांसवाल uh, में एज अ प्रोटेस्ट क्रॉस कर रहे थे सो दे वर बेसिकली लेट टू लाठी चार्ज उस समय भारत के जो वॉइस रॉय है लॉर्ड हार्ड तो ही ऑल्सो पब्लिकली सेट गे आर वी वुड कंडक्ट एन इम इंक्वायरी सो वट वी आर डूइंग इज दैट कि महात्मा गांधी के हम

जैसे कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के अंदर 1906 में इंडियन माइग्रेट ट्रांसफर इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट था पोल टैक्स के अगेंस्ट था और इनवेलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज के अगेंस्ट तो तिर चार मेजर कैंपेन्स थे इन सब का जो फाइनली रिजल्ट है ये उस समय साउथ अफ्रीका का सबसे सीनियर पर्सन Uh, समझ लीजिए इसका नाम है जनरल स्मट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ नेगोसिएशन जिसमें महात्मा गांधी और हमारे यहां वाले लॉर्ड हार्डिज सी एफ एंड्रूज एंड जनरल स्मट्स इस जनरल स्मट्स या साउथ अफ्रीका का बेसिकली आप समझ लीजिए उस समय गवर्नर जनरल है एक अग्रीमेंट रीच आया जिसमें जो मेजर इंडियन डिमांड्स थी पोल टैक्स की रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट की मैरिज की वो मोरलेस बेसिकली मान ली गई थी ऑल ऑफ देम एंड प्रोमिसज टू ट्रीट द इशू ऑफ इंडियन इमिग्रेशन इन अ स्लाइटली सिमटेटिक मैनर जनरल स्मट्स एंड महात्मा गांधी आर ऑब्वियसली एडवर्सरी बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एक ऐसी ट्रीवी आया एग्जाम के काम से नहीं आएगा बट वैसे बताता हूँ कि सो देवर एडवर्सरी राइट तो जब जब तक गांधी जी साउथ uh, अफ्रीका में थे तो इसी के साथ लड़ाई होती रहती थी भाई तुम ही करो कुछ और ये बोलते हो अहम तरीके कुछ भी तो वेल ना मेडल बट उसके बावजूद भी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एडबरेशन रहती है अच्छे लोग जो होते हैं उनके अंदर सो वेन गांधी वॉज लीविंग Uh, south africa in 1915 he gifted general smuts a handmade sandals like they are still in the museum these sandals were handmade by mahatma gandhi were gifted to general smuts uh, and listen to me look at it ंडल्स फॉर मैनी समर्स इवन दो आई मे फील दैट आई एम नॉट वर्दी टू स्टैंड इन द शूज ऑफ सो ग्रेट अ मैन सो दिस इज अटेटमेंट गिवन बाई दंस रिटर्न दैट क्या हुआ बिफोर गांधी सेल टू इंडिया फॉर द लास्ट टाइम क्योंकि उसके बाद फिर परमानेंटली महात्मा गांधी इंडिया में ही रहते हैं ही सेंट जनरल लेदर सैंडल्स मेड इन प्रिजन जेल में थे इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट इनके अगेंस्ट जेल में ही थे स्मर्ट्स वोर देम फॉर 25 फाइव ईयर्स पच्चीस साल तक स्मर्ट्स पहनते हैं एंड लेटर ऑन ही रिटर्न देम टू गांधी सेंग क्यों मैंने पहने तो है ये बट आई डोंट थिंक सो आई एम वर्दी ऑफ देम. वट ये उन्नीस सौ पंद्रह तक के जो महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका के जो ईयर्स थे वट डिड इज दैट गांधी दिस वॉज द ट्रायल फेज ऑफ महात्मा गांधी ऑफ हिज आइडियाज ऑफ हिज वेज ऑफ इज पैसि रेजिस्टेंस और पता चल गया कि मासिस को मूव किया जा सकता है दे आर रेडी फॉर द सेक्रीफाइस अगर वो इशू उनके दिल के क्लोज हो ई वॉज एबल टू यूनाइट इंडियंस वही जो इशूज है जैसे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट नो दिस इज समथिंग विच गोज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडियन सो ऑल मेन एंड वुमेन वर बेसिकली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द इंडियंस ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ डू आई गो अहेड विद इट यू ऑल्सो केम टू रियलाइज दैट एट टाइम्स लीडर्स हैव टू टेक डिसीजन जो कि अनपॉपुलर हो विदर एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स मतलब एग्जैक्टली एक्सट्रीम पे नहीं जा सकता एंड ही दिस वॉज अ लॉन्ग पीरियड इट वॉज लाइक मोर देन ट्वेंटी टू ईयर्स ही इवॉल्व हिज ऑन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स एंड थोड़े थोड़े से अपने लिमिटेड स्केल पर ये अपनी जो स्ट्रगल की टेक्निक्स थी वो इन्होंने टेस्ट कर ली थी एट दैट टाइम विच दिस एक्सपेरिमेंट ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स थे दे वर सपोज टू बी यूज

गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आ, आगे कर दो सो दीज मैटाफर्स देर ऑल्सो इन द क्रिश्चियन मिथोलॉजी क्रिस्चियन मिथोलॉजी के अंदर भी इसी प्रकार के मेटाफर्स होते हैं टोल से बड़े बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उनकी फिलासफी से जैनिज्म जैनिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उन सब की फिलोसफी से दिस द द क्रक्स ऑफ आइडिया केम दैट ई विल कैन बी काउंटर्ड बाई द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस द बेसिक टेनेंट क्या है नॉन वायलेंट की सबसे पहले Uh, एक तो सबसे पहले ये होते दे एक्चुअली बिलीव पर्सन इज नॉट द ह्यूमन बींग विच इज इन फ्रंट ऑफ लाइक जैसे जो पुलिस है जो डंडा मार रही है evil वो नहीं है, इविलरली डिफरेंट दल सो सत्याग्रह के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या सत्याग्रह बेसिक प्रिंसिपल है कि एक सत्याग्रही जो है वो कभी भी गलत नहीं करेगा नो मैट वर्ड यू नॉट गोइंग टू डू रॉन्ग you're going to stay true, you're going to stay non-violent, and you're going to stay fearless. Wow. that is the, uh, let me tell you on a personal experience, the most difficult thing to do. but still, that was the idea. gandhi ji says, he just stay true, non-violent, and fearless. the three most important qualities a person should have, according to satyagraha. Eh, satyagrahi, who is a satyagrahi? truth, non-violent, and the fearless. okay, satyagrahi works on the principle of withdrawal of cooperation and boycott. बेसिकली सत्याग्रह का पर्पस ये होता है कि अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा आई विल नॉट वर्क फॉर यू आई विल नॉट वर्क विद यू आई विल नॉट कोऑपरेट विद यू आई विल बॉय यू सत्याग्रह के इंक्लूड क्या है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगर कोई गलत टैक्स लगा रहा है तो उसका पेमेंट बंद कर दो सामने वाला पुलिस लाइक द व्हाट विल द स्टेट डू दे जेल जेल यू लेट देम ऑल ऑफ अस अगर आप गलत करोगे तो नॉट प्रॉब्लम डिक्लाइनिंग ऑनर्स एंड द पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी एंड बिकॉज नॉन कोऑपरेशन बिकॉज विल नॉट वर्क विद यू सत्याग्रह विल एक्सेप्ट सफरिंग बिकॉज दिस प्रोसेस विल हैव सफरिंग सफरिंग द कम्स आइडिया इज दैट की इफ यू आर सीकिंग ट्रूथ इट गोज थ्रू दी पार्थ ऑफ द सफरिंग बिना सफरिंग के बेसिकली ट्रूथ नहीं मिलता है सफरिंग वोज टू बी पार्ट ऑफ इज लव ऑफ ट्रूथ और हम रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट ई विल के अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं परंतु रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट यीलिंग नहीं है दट्स द पॉइंट की ना नी डोंट हेट एनी बडी द पर्सन इज हेटिंग अस बट देर नॉट हेटिंग यू पर्सन ट्रू सत्याग्रह वुड नेवर बाव बिफोर दिल वट एवर दी विल सर कटा सकते हैं पर झुका नहीं सकते ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉग कु सत्याग्रह वीक और कायरों के लिए नहीं होता है अगर कायरता को चुनोगे तो वायलेंस ले लो तो गांधी जी ने स्ट्रैटेजी बना लाधी जी ने प्रायोरिटी बना रखी है दिस इज नॉन वॉयलेंस ये प्राइम है दिस इज इट वट वी आर सपोज टू डू एंड कॉवर्ड इज बट अगर कोवर्डिस्ट चुनने पे आए तो वायलेंस चुन लो कोई मुद्दा नहीं है कायरता मत चुनना हिंसा कायरता हिंसा से भी बेकार है कायरता हिंसा से हिंसा से भी बेकार है वेल लेस कमिंग बैक टू नाउ गांधी कम्स बैक टू इंडिया इन जनवरी 1915

वन ईयर ही टू द कंट्री फॉर नेक्स्ट वन ईयर एंड टू देखे उनकी कंडीशन वंडीशन देखे और अगले एक साल तक कोई पॉलिटिकल मैटर पर बेसिकली मुझे कोई पोजीशन लेनी नहीं है उस समय बेसिकली सिचुएशन भी ऐसी थी वर्ल्ड वॉर चल रही थी एंड ही अंडरस्टूड कि ये जो मॉडरेट पॉलिटिक्स हैं दे आर लिमिटेड मतलब जो उस समय की कांग्रेस के लीडर सीनियर लीडर्स थे उनके मॉडर्ट एंड ऑल दे आर बेसिकली नॉट एक्जैक्टली सक्सेसफुल वॉज ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ द होम रूल एजुटेशन जो कि उस समय एनिवेसेंथ और बेसिकली बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे बट इनका मानना था कि वर्ल्ड वार वन के समय में ऐसा नहीं करना चाहिए ई थॉट इट वॉज नॉट द बेस्ट टाइम टू एजुटेट बिकॉज वर्ल्ड वार वन यू वॉज कन्विस्ड कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए वील हैव टू डू नॉन वायलेंट सत्याग्रह एंड ये सिर्फ उन्हीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे जो कि नॉन वायलेंस को चूज करेंगे 1917 और 1918 के समय में तो 1916 में तो बेसिकली 1915 से 1916 में तो बेसिकली गांधी जी हैं देश को ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है दिस इज वेयर ही ट्रेवलिंग ही सीज द काइंड ऑफ द पॉवर्टी दैट द इंडिया हैज एंड ही गिव्स अप हिज क्लोथ फिर वो उसके बाद uh, अब जो एक ही धोती में एक ही कपड़े में रहते थे दिस इज वेयर इट बिगिन प्राइमरली 1917 से 1918 में गांधी तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रगल मतलब एटलीस्ट हम एकेडमिकली स्टडी वैसे और भी बड़ी सी चीजें होंगी लेकिन हम तीन स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं द चंपारण जो कि गांधी का पहला इंडिया इंडिया में सबसे पहला कैंपेन है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड दी खेड़ा सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह से सबसे पहले तो उन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट है तीनों इंपॉर्टेंट है दर इज वेरी स्पेसिफिक रीजन कि हमारी बुक में ये तीन दिए हुए हैं ठीक है दर इज अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ पिकिंग दिस लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन विच इज द चंपारण सत्याग्रह द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस तो हम तीन पढ़ रहे हैं तीनों में ना पर्टिकुलर एक, एक वो है इंपॉर्टेंस है यूएसपी है ये पहली सिविल डिसोबीडियंस है इंडिया में आके महात्मा गांधी पहली बार कब डिस करते हैं गवर्नमेंट को पहली बार सो so, गांधी जी को राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने बुलाया था चंपारण में कि वहां पर लोकल्स जो थे फार्मर्स थे दे आर फेसिंग सर्टन प्रॉब्लम एंड यू शुड कम एंड लुक इन इट इंडिगो प्लांटर्स ऑफ द चंपारण इन बिहार सिस्टम क्या था बिहार के चंपारण नाम के जो ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे जो यूरोपियन प्लांटर्स हुआ करते थे दे वर फोर्सिंग द पेजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन द टोटल लैंड तो अगर किसी के पास की एक एकड़ जमीन है तो तीन बटा बीस भाग में ठीक है सो दे विल डिवाइड दिस इंटू ट्वेंटी पार्ट्स और इसमें से तीन पार्ट्स के अंदर इंडिगो बनाना पड़ता था उनको नील उगाना पड़ता था तो यूरोपियन प्लांटर्स उनको फोर्स करते थे जो वहां के उस समय फार्मर्स थे ये तीन बटा बीस यानी तीन कठिया थ्री आउट ऑफ दी दट्ठा एक कट्ठे जमीन में से तीन कट्ठा तीन कठिया जो सिस्टम है ये वहां पर फॉलो हुआ करता था अब इसके अंदर यूजुअली क्या होता था द दाइनटीन सेंचुरी के एंड में सिंथेटिक डाई ने इंडिगो को रिप्लेस कर लिया था तो यूरोपियन प्लांटर्स डिमांडेड हाई रेंट एंड इलीगल ड्यूज फ्रॉम द प्रेजेंट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ये जो था सिस्टम चल रहा था 1850s में भी था 1800 में भी था तो ठीक रहता था यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स कर देते थे और किसानों विसानों को थोड़ा पैसा वैसा मिल जाता था विच ऑज फाइन बट सिंस नाइनटीन सेंचुरी सिंथेटिक डाई बनने लग गई थी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो अब इंडिगो की इतनी वैल्यू रही नहीं थी ठीक है लेकिन अब वो जो पुराने प्लांटर्स होते हैं उनको तो अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है तो वो उनको प्रेशर भी करते थे फोर्स भी करते थे उनको पैसे भी नहीं देते थे उनके ऊपर और मतलब कलेश करते रहते थे सो दिस वॉज एन इश्यू विच वॉज बिल्डिंग फॉर लाइक्स मोर और लेस डेकेड। सो मैक्सिमम द प्रॉफिट पेजेंट कुड शिफ्ट टू अदर क्रॉप्स करने नहीं देते थे वर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस एज प्राइस फिक्स बाई द यूरोपियंस So, इसीलिए राजकुमार शुक्ला नाम के एक लोकल आदमी ने बुला लिया गांधी जी को बोले कि आप आ जाइए और गांधी जी पहुंच गए एंड लुक एट दिस फोटो दिस इज एक्चुअली एन हिस्टोरिकल फोटो गांधी जी विद सब इंस्पेक्टर असाम कुर्बान अली दिस गाय दिस इज महात्मा गांधी इन चंपारण टू चंपारण ज्वाइंट बाय नाम याद रखने पड़ेंगे राजेंद्र प्रसाद मजहार उलक महादेव देसाई नरहरी पारेख एंड जेवी कृपलानी नाउ दिस इज राजेंद्र प्रसाद इफ यू सी दिस इज एक्ट एक्ट उसी टाइम की है उन्नीस सौ सत्रह के चंपारण मूवमेंट की ही बेसिकली फोटो है ही गोज देयर टू प्रोव द मैटर एंड जैसे ये वहां पर पहुंचे द अथॉरिटीज इज ऑर्डर हिम टू लीव द एरिया एंड गांधी जी बेसिकली डिफाइड द ऑर्डर और उन्होंने बोला पनिशमेंट दे दो एंड बिलीव मी और नॉट They were shocked. Because still, the, अभी तक दिस द इट वॉज शॉक वैल्यू द शॉक वैल्यू गांधी जी के प्रोटेस्ट शॉक वैल्यू थी so, like उनको, उनको पिछले दो सौ सालों से आदत है कि ऑर्डर कोई उनको बोलते कि हम तुम यहां पे आओगे निकल जाओ यहां से अरेस्ट कर लेंगे एवरीबडी लीव बट सडनली देर इज दिस गायन इज लाइक नहीं क्या हम अरेस्ट कर लेंगे ओके पुलिस वॉज लाइक What are we supposed to do? We were not. This is out of slavers. the out of The passive resistance was actually a very, very. No, we are not impressed by it because we have learnt it. We know it. Right? But they didn't. In 1917, nobody knew in India that this could actually be done. They were, they were like, what are we supposed to do now?

slightly to get into the theme of the situation. what is exactly happening. so champaran may there are farmers who are being kind of pressured by the european planters. and suddenly this guy comes, mahatma gandhi, mahatma nahi Inko but ya, Mohandas gandhi, he comes there and the district administration. now when he comes there he was already popular. ओके वॉज ऑलरेडी पॉपुलर सो देर इज अ लॉर्ड ऑफ जो उनके पास ना काफी भीड़ भाड़ है काफी चहल पहल होने लग गई है उधर डिस्ट्रिक्ट क्यों आया क्या हुआ ये लॉयर है बैरिस्टर है कुछ होगा एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कम सेम टू लिव यानी सिर्फ मैं तो नहीं छोड़ता मैं तो नहीं जा रहा so, तो हम अरेस्ट कर लेंगे कहता प्लीज हैव यू सी इनी रजिस्टेंस नाउ सो दे सो दे अरेस्ट हम एंड देन हीज टेकन टू द कोर्ट एंड द कोर्ट ऑल्सो सेज की ओके आपकी जमानत है सौ रुपये पे फिक्स कर गए एंड ही सीज किन नो आई नॉट पे यू द मनी

Finally, uh, only 25 percent of the money taken wo, wo, should be compensated. But uh, the effect that the next decade ke andar andar, uh, wo plantation ka system ho within the decade, the European planters basically left the area. Gandhi literally actually won the first battle of the civil disobedience in India. चंपारण सत्याग्रह के साथ नाम याद रखेंगे हम इन सबके किशोर प्रसाद अनुराग नारायण सिन्हा राम नवीन प्रसाद और शंभु शरण वर्मा एंड ऑल दीज राजेंद्र प्रसाद मजरुल हक महादेव देसाई नरहरि पारेख और जेवी कृपलानी दो तीन बार रिवाइज करने पर ऑटोमेटिकली हो जाता है सब प्रेशर मत लेना ये चंपारण सत्याग्रह के समय में पहली बार महात्मा गांधी को कहने लगा बापू ठीक है 45 year old at that time, he is 1869 and this is 1917, so he is 48 here. See, he is 48 and he, by, uh, he was referred the Bapu for the first time by the Sant Raut. Mahatma uh, kisne I wish you, I think you know it. so this is it. Then the second is the Ahmedabad mill strike. ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है महात्मा गांधी की सी दैट वाज़ द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस दिस इज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक सो वी आर डूइंग थ्री फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस उसके बाद वो फार्मर्स है ये वर्कर्स है अगले वाली पेजेंट्स है खेड़ा जो सत्याग्रह है मतलब तो तो इनका भी बेसिकली पर्पस है किस वजह से मार्च 1918 में गांधी इंटरव्यू इन ए डिस्प्यूट कॉटन मिल्स ऑफ अहमदाबाद और वर्कर्स तो अहमदाबाद में बड़ी सारी सी कॉटन मिल्स थी और उन कॉटन मिल्स में जो वर्कर्स काम किया करते थे मिल मालिकों के बीच में और वर्कर्स के बीच में बेसिकली एक डिस्प्यूट हो गया क्या डिस्प्यूट हो गया 1918 से पहले 1917 में इस एरिया में प्लेग आ गया था वर्ल्ड वॉर चल रही थी प्लेग आ गया था तो इन सब वर्कर्स को काम पे रखने के लिए प्लेग बोनसस अनाउंस किए गए थे तो इनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे कि कहीं प्लेग के डर से बेसिकली काम करना बंद ना कर दे बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इन्फ्लेशन होने लगी इन्फ्लेशन होने वजह होने की वजह से जो प्रोमिस्ड बोनसेस थे वो काट दिए गए बेसिकली मतलब कि वो उस दस परसेंट देने लग गए अचानक से उनको देना एक महीने का चल रहा था दे एक्चुअली रिसेंडेड ऑन दोज प्रोमिसेज ओवर द इश्यू ऑफ द डिस्कटिन्यूएशन ऑफ द प्लेग बोनस अब मिल ओनर्स वांटेड टू तो विड द बोनस मिल ओनर्स को बोनस देना नहीं था वर्कर्स वर डिमांडिंग राइज ऑफ फिफ्टी परसेंट इन दर वेजेस तो बोलेगी अगर बोनस हटा दोगे तो हमारी सैलरीज वैलरीज को बढ़ा दो इन्फ्लेशन हो रही है इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है फूड ग्रेन वूड ग्रेन सब कुछ महंगा हुआ है मिल ओनर्स बोले कि हम बीस परसेंट देंगे उससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच जो समय था वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब होने लग गया इसलिए खराब होने लग गया क्योंकि वर्कर्स ने तो स्ट्राइक कर दी बट मिल ओनर्स दे सेट कि तुम काम पर आओ हम बेसिकली बॉम्बे से लोगों को हायर कर लेंगे उस समय बेसिकली अहमदाबाद भी बेसिकली बॉम्बे ही प्रोविंस में आता था बट बॉम्बे एज इन द टाउन सिटी बॉम्बे सिटी बॉम्बे से बेसिकली हायर कर लेंगे सो दिस थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड इन क्रीम सो वर्कर्स ऑफ द दिल टर्न टू अनुसुईया सारा भाई नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है अनुसुईया सारा भाई एक उस समय सोशल वर्कर थे शी अ सोशल वर्कर अब देखो बहुत सुपर इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ अनुसुईया सारा भाई इज बेसिकली लीडिंग दैट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक शी इज अ सोशल वर्कर

वेरी वियर वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिकयर सो अनुसुईया सारा भाई शी इज अल वर्कर शी इज हेल्पिंग दी वर्कर्स एंड अम्बालाल साराभाई ही इज द लीडर ऑफ दैट अहमदाबाद मिल ओनर्स मिल ओनर्स एसोसिएशन का हैड है सो दे आर बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट द वर्कर्स सो अनुसुईया साराभाई है वो शी इज हेल्पिंग दी

द क्रक्स बेसिकली ये निकला कि दे फाइनली फिगर्ड उन्होंने दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा दिया कि 35 फाइव परसेंट इनक्रीज होना चाहिए वेजेस का सो मिल ओनर्स पर सेंग ट्वेंटी वर्कर्स पर सेंग फिफ्टी द इंटरफियरेंस ऑफ गांधी बेसिकली अलाउड इट टू बी एट 35 तो so, उनको वहाँ से 15 नीचे करा दिया इनको यहाँ से 15 हटा दिया दिस इज वॉट गांधी यूज टू डू बेसिकली टू ब्रिंग टू एक्सट्रीम्स इन टू ए मेडल पैथ ऑफ कॉम्प्रोमाइज सो ये भी हो गया ठीक है इसके एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हो गया था खा इसमें गांधी जी ऑब्वियसली एडवाइस कि वर्कर्स हमेशा नॉन वायलेंट रहेंगे जब भी स्ट्राइक होगा कुछ भी होगी एंड जब मिल ओनर्स के साथ जो डिबेट था आगे नहीं बढ़ा था तो ही वेंट इन टू अ फास्ट अंड टू डेथ विच वॉज इज फर्स्ट तो होता है ना फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ महात्मा गांधी इज फर्स्ट टू स्ट्रेंथन दर्कर्स और फिर उसके बाद बेसिकली मिल ओनर्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ गया उन्होंने थर्टी फाइव परसेंट ऑफ वेज हाइक के लिए रेडी हो गए एंड देन द खेड़ा सत्याग्रह दिस इज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है यू जस्ट डिसोबे द लॉ डायरेक्टली ठीक है लॉ को ही डिसोबे कर दिया मैं यहां से जाऊँगा वरना अरेस्ट कर लूंगा कर लो बेल की सौ रुपए है मैं नहीं देता डिसोवे कर दिया तुम्हारे सीधे लॉ को नॉन कोऑपरेशन मतलब टैक्सेस कलेक्ट करने मैं नहीं पे करता आई नॉट पे

सौ किलो अनाज उग रहा है और सपोज करो कि पच्चीस किलो से कम आ गया किसी साल तो फार्मर्स वर एंटाइटल्ड फॉर द रिमिशन कि फार्मर्स को बेसिकली टैक्स नहीं देना पड़ेगा दैट वॉज द आइडिया द गुजरात सभा जिसके अंदर सारे के सारे प्रेजेंट्स थे सबमिटेड पिटिशन टू हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटीज कि 1919 के असेसमेंट को कि कितना टैक्स कलेक्ट होगा उसको सस्पेंड कर दो सो so, क्या सिचुएशन है कि खेड़ा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में वहाँ पे 1918 में बहुत बड़ा सा फैमी होता है तो प्रॉब्लम चल रही है वॉर चल रही है वहाँ अहमदाबाद बिल स्ट्राइक अहमदाबाद वाली साइड में प्लेग है यहाँ पे बेसिकली फैमीन है सो so, देवर लाइक की भाई इस बार टैक्स पे नहीं होगा ईड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो वहाँ की गुजरात सभा में ठीक है गुजरात सभा जिसमें खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रेजेंट्स हैं गुजरात सभा एक पटिशन फाइल करती है पटिशन किस बात का है कि उन्नीस उन्नीस में टैक्स कलेक्ट ना हो ठीक है गवर्नमेंट बोले कि नहीं टैक्स तो कलेक्ट होगा और टैक्स अगर नहीं कलेक्ट करेंगे तो हम बेसिकली आपकी सारी की सारी जो जमीन है उसको बेसिकली प्रॉपर्टी को सीज uh, कर लेंगे अगर टैक्सिस पेड नहीं हुए गांधी जी आज दी फार्मर्स नॉट टू पे टैक्सिस तो गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन इट एन एड ही स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इट इसमें उनका इतना जैसे चंपारण और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के जितना इंटरफेरेंस है उतना नहीं था वॉज बेसिकली स्पिरचुअल है खेड़ा सत्याग्रह है सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड अगेन नरहरी पारिक मोहनलाल पांड्या एंड दी रविशंकर व्यास देवर बेसिकली मेन लीडर हुड खेड़ा सत्याग्रह ठीक है गांधी जी वॉज बेसिकली काइंड ऑफ द गाइडिंग फोर्स ही वेंट अराउंड दीज पीपल वेंट अराउंड द विलेजेस गए इन्होंने विलेजेस uh, को बताया क्या करना है पॉलिटिकल लीडरशिप डाइन की अलॉन्ग विद कॉलिंग्स ऑर्गेनाइज द टैक्स रिवोल्ट अलग अलग उनकी जो खेड़ा की जितनी भी फार्मर्स uh, और प्रेजेंट्स थे रिमोट खेड़ा सत्याग्रह काफी माना गया है इसमें कोई भी वायलेंस नहीं हुई ऑन नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस गवर्नमेंट सीज द फार्मर्स पर्सनल प्रॉपर्टी लैंड काफी करने भी लग गए लेकिन उसके बावजूद भी द फार्मर्स एक्चुअली डिट अप द कैप्टन डूइंग इट एंड या द कैप्टन सपोर्टिंग इट अब जब गवर्नमेंट किसी की जमीन को कॉन्फिस्केट करती है ना मतलब गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग व्हाट इज गवर्नमेंट गोइंग गोइंग दे नॉट टू द द लैंड्स सो सो दे सेल इट टू हाईएस्ट बिडर इस प्रोटेस्ट में खेड़ा सत्याग्रह में द कैंपेन वाज आल्सो कि वो कोई वो कोई खरीदेगा नहीं बाई चांस से कोई खरीद लेता था, था तो उसको सोशली ऑस्ट्राइज कर दिया जाता था अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बेसिकली गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चलाए गए इस खेड़ा सत्याग्रह के दौरान एक अग्रीमेंट में आया उन्होंने कहा कि वी विल सस्पेंड द टैक्स फॉर द ईयर इन द क्वेश्चन एंड वील नॉट इंक्रीज इज नेक्स्ट ईयर और कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज जो है उन सबको वापिस कर देंगे सो so, चंपारन फार्मर्स अहमदाबाद वर्कर्स एंड खेड़ा फार्मर्स एंड पेजेंट्स बेसिकली द मास this is civil disobedience. this is hunger strike. and this is non-cooperation. have been entangled into the indian national movement. mahatma gandhi and interestingly, all these were local. like champaran was only local. they were kept local also with the idea. they were kept local. but now gandhi demonstrated key satyagraha works. ऑल ऑफ दिस वॉज समॉर दीपल इन वन वे स्टार्ट मैन ऑफ दर हाँ गांधी जी को बुलाते हैं तो काम हो जाता है एंड ही ऑल्सो अंडरस्टोड की क्या क्या स्ट्रेंथ है क्या क्या वीकनेस है एंड दिस ऑब्वियसली मेड ही मे लार्ज एंड टू रॉज उनके फॉलोअर्स बेसिकली बन गए थे देन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड इनटीन नाइनटीन

कैरट गवर्नमेंट ने डेंगल कर दिए बट साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बावजूद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन दबर नाइनटीन 1919 समथिंग कॉल्ड एज द रॉलेट एक्ट जिसका पर्पस ये था कि जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस होंगी उसको सप्रेस कर दिया जाएगा तो सिक्स मंथ्स बिफोर द मॉन्टफॉर रिफॉर्म्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसके रिफॉर्म्स आएंगे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स मॉन्टेक चांसफोर्ट में इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक नया एक्ट पास किया जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट 1915 की एक्सटेंशन थी सो so, 1915 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई थी तो गवर्नमेंट पास है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जिसमें बेसिकली किसी को पकड़ना या किसी भी कोई भी एंटी गवर्नमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिविटीज होती थी तो उसको पकड़ना आसान था बट अब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो क्या किया जाए सो देर वॉज अ कमेटी उस कमेटी का नाम था रॉलेट एक्ट उन्होंने रेकमेंड किया कि मेक अ लॉ जिसमें ऐसे उसके ही कुछ प्रोविजंस को एक्सटेंड कर दिया जाए और मार्च 1919 में ये इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल ने रॉलेट कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे उस एक्ट को पास कर दिया अब उस एक्ट का ऑफिशियल नाम है अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बट क्योंकि ये रॉलेट कमेटी ने बेसिकली रेकमेंड किया था जनरली पॉपुलरली इट्स कॉल्ड एज द रॉलेट एक्ट ठीक है ये ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट पूरा उसका नाम है उन्होंने अपनी कमेटी थी उसका उस कमेटी को क्या नाम है एजेंडा दिया गया था कि सीडिशियस कॉन्स्परेसी जो इंडियन लोग कर रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट उसके बारे में तो उसने बोला कि हाँ कुछ लोग करते हैं तो करते को रोकेंगे कैसे कि रोकेंगे ये लॉ पास कर देना चाहिए कौन सा अनार्किकल एंड द रेवोल्यूशनरी क्राइम में क्राइम्स एक्ट क्या रिकमेंडेशन थी उसने रेकमेंड था कि जो भी ऐसे एक्टिविस्ट हों जो कि सीडिशन सिडिश, की एक्टिविटीज करते हो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट उनको इम्प्रिजन कर दो बिना किसी ट्रायल के टू ईयर्स के लिए

उस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट वोट किया था बट दे वर नॉट इन द मेजॉरिटी सो ऑब्वियसली बिल उसके बावजूद भी पास हो गया रॉलेट एक्ट पास होने पे उस समय कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन भी कर दिया था प्रोटेस्ट में नाम याद रखने हैं सबसे पहले मोहम्मद अली जन्ना वाज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एट दैट टाइम मदन मोहन मालवीय एंड दजहर उल हक उन्होंने प्रोटेस्ट में रिजाइन भी कर दिया अब ये एक्ट क्या करता है ये किसी भी पॉलिटिक कल एक्टिविस्ट को बिना किसी कोर्ट लिए गए बिना किसी जूरी के इम्प्रेजेंट कर सकता है दो साल के लिए अरेस्ट ऑफ इंडियंस विदाउट वारंट बिना पुलिस के वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है अगर कोई भी ट्रीजन यानी कि देशद्रोह का उसके ऊपर बेसिकली चार्ज हो एंड विदाउट एनी सीक्रेट में उसके ट्रायल हो सकते थे नाउ अ स्पेशल सेल अलग से सीक्रेट तीन हाई कोर्ट के जजेस होंगे जो कि ऐसे को सस्पेक्ट को ट्राई करेंगे और उसके ऊपर उसको अपील नहीं किया जा सकता दो तो, तो जजेस से कि यू आर गिल्टी यू आर बेसिकली गिल्टी

सो नाओ नो बड़ी इन द कंट्री हैज ए रिकॉर्स कि उसको सही अरेस्ट किया गया था उसको गलत अरेस्ट किया गया था दैट वीज वोट दॉल अटैक्ट वॉज गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट सिंपल था कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीन ये सिर्फ और सिर्फ वार टाइम पे अप्लाई हो रहा था इसको किस प्रकार से परमानेंट कर दे और वॉर टाइम पर जो फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस थी असेंबली पे रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उस समय लगाना आसान था उसको बेसिकली इंडिया में रीइम्पोज कर दिया जाए एंड दैट कैन एक्चुअली कंटिन्यू फॉर दी परमानेंटली गवर्नमेंट का प्रेस के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा बना रहेगा एंड बेसिकली देव जो भी चाहे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो या पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकता है दिस वॉज बेसिकली महात्मा गांधी फर्स्ट

बेसिकली काला कानून एंड नॉट एवरी वन शुड गेट पनिशमेंट जस्ट बिकॉज किसी ने कोई पोलिटिकल क्राइम किया है गांधी जी प्लान इन फेबर अगेंस्ट एक ऑल इंडिया लेवल का प्रोटेस्ट होना चाहिए सो so, गांधी जी फॉर्मड ड्यूरिंग दिस टाइम अ सत्याग्रह सभा क्या है ये सत्याग्रह सभा सत्याग्रह सभा गांधी जी ने उन्नीस सौ उन्नीस फरवरी में बनाई है सत्याग्रह सभा में कौन वॉलंटियर्स है जो एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के मेंबर्स हैं दे बेसिकली वर लेटर ऑन क्योंकि उस समय वो होम रूल लीग थी दे वर प्राइमरली नॉट गेटिंग ट्रैक्शन एट दैट टाइम तो उसके जो भी मेंबर्स और जो भी वॉलंटियर्स थे दे द सत्याग्रह सभा ऑफ द महात्मा गांधी एंड दिस सत्याग्रह सभा बेसिकली वॉज ऑर्गेनाइजिंग सत्याग्रह अगेंस्ट द दॉल अटैक्ट ऑल ओवर द इंडिया इन रोड इन दंगर में म रूल लीग एंड मैन इस्लामिस्ट प्रोटेस्ट का बेसिकली फंडा क्या था क्या तरीका करेंगे कि हम नेशन वाइड एक हड़ताल रखेंगे फास्ट रखेंगे प्रेयर किया करेंगे सिविल डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पेसिफिक लॉज के अगेंस्ट एंड वी विल अरेस्ट एंड इम्प्रेजर

फ्रीडम वार्च में लॉन्च किया गया रॉल एट एक्ट इसके अगेंस्ट देश में सत्याग्रह होगा एंड दे चोज ए वेरी स्पेसिफिक डेट सिक्स अप्रैल नाइनटी ठीक है अप्रैल छीस सौ उन्नीस से प्लान था कि हम पूरे के पूरे देश में मास स्ट्राइक करेंगे हड़ताल करेंगे लेकिन चार्ज एटमोसफियर होता है कभी कभी राइट सो बिफोर इट कूड लॉन्च देर वॉज लार्ज स्केल वॉयेंट एंटी ब्रिटिश डेमॉन्स्ट्रेशन इन कलकत्ता इन बॉम्बे डेली एंड अहमदाबाद और जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा चार्ज एटमोसफेयर था द एक्सप्लोजिव सिचुएशन वॉज बेसिकली इन दी पंजाब पंजाब में ड्यूरिंग दर्ल्ड वॉर वन ऑल्सो देर वर सेवरल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस तो उस समय वहाँ पे वैसे ही वॉर टाइम के दौरान काफ़ी ज्यादा डिप्रेशन रे, हुआ था द ब्रिटिश आर्मी नीडेड पीपल तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स भी बड़े सारे से किए थे फोर्सिबल रिक्रूटमेंट्स सो पंजाब वॉज बेसिकली काइंड ऑफ अ टिकिंग टाइम बॉम्बू सेट सो अप्रैलटीन विच यू वुड ऑब्वियसली नो वॉज द बिग्गेस्ट एंड द मोस्ट वायलेंट एंटी ब्रिटिश अपसर्ज यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों नाम सिमिलर हैं तो से ना कंफ्यूजन होता है इस समय पंजाब एक बेसिकली कमिश्नर प्रोविंस है और उसका गवर्नर है सर माइकल ओ डायर डुवायर माइकल ओ डुवायर ठीक है इसके साथ साथ एक है जनरल डायर डायर ठीक है जनरल डायर इसके बारे में आप जानते हैं दिस गाय इज बेसिकली द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब हेड है ये पंजाब का उस समय ठीक है माइकल ओडवायर जनरल डायर समझ लीजिए इज ए कमांडर इन आर्मी और क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी हाथ से जा रही थी थैंक्स फॉर गेटिंग आउट ऑफ हैंड फॉर द ब्रिटिशर सो ही वॉज कॉल्ड टू एस्टेब्लिश पीस दिस गाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलिया वाला बाग मैसकर ठीक है अब आपने उधम सिंह मूवी देखी होगी उधम सिंह इज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु गोज टू लंडन एंड असेसिनेट असैसीनेट समू डी असेसिनेट ही इज माइकल ओ डोवायर ये उधम सिंह ने 1940s में 1940 के समय में उधम सिंह लंडन जाके इसको असेसिनेट करते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू उधम सिंह ही वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियावाला बाग पैसेकर सो ऑन फील्ड राइट एट दैट टाइम जनरल डायर ये इंडिविजुअल है हु शूट्स दोज पीसफुल प्रोटेस्टर्स ठीक है तो जले वाला बाग जल्हाग मैसे फर्स्ट हैंड द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज बेसिकली जनरल डायर एंड सिम साइमल्टेनियसली एट दैट टाइम उस समय उस पूरे एरिया की जो एक्चुअल कमांड थी दैट वॉज इन हैंड ऑफ द माइकल ओडवायर तो ऊधम सिंह जी फाइंड सेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड ही गोज इन नाइनटीन फोर्टी ही वॉज नॉट अटेड ही बेसिकली डाइड है नॉर्मल डेथुरल डेथ जल्दा से कर अमृतसर बेसिकली ये जो सत्याग्रह के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोटेस्ट होने लगे थोड़े से थे थे। अमृतसर वॉज बेसिकली एट दट टाइम दी मोस्ट चार्ज एंड वहाँ पर बड़े सारी वॉय होने लग थी शुरू में तो कुछ नहीं हो रही थी इंडियंस शट डाउन देअर शॉप्स नॉर्मल ट्रेड चल रहा है एम स्ट्रीट्स थे जो कि प्रोटेस्ट का बेसिकली तरीका था लेकिन क्या हुआ कि ड्यूरिंग अप्रैल सिक्स पूरे देश में करना स्टार्ट है तो अप्रैल नाइन में ब्रिटिशर्स ने उस समय के दो लीडर हैं अमृतसर के क्या नाम है

प्रोटेस्टर जो कि बेसिकली 10 अप्रैल को सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए अगेंस्ट फॉर द सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल बेसिकली अमृतसर पे सड़कों पर उतर जाते हैं तो सिचुएशन इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन की इज स्लाइटली गेटिंग आउट ऑफ हैंड सो नाउ दे कॉल इन दर्मी मार्शल लॉ लगा देते हैं दस अप्रैल के बाद बिकॉज पीपल आर बेसिकली प्रोटेस्ट आर बेसिकली गेटिंग वॉय क्योंकि पुलिस ने प्रोटेस्ट में फायरिंग कर दी थी दस अप्रैल को बेसिकली कुछ लोग की डेथ होगी तो टेंशन काफी ज्यादा हाई हो गई एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब अब राइट्स वाली सिचुएशन हो गई सो फाइव इंग्लिश मैन वर ऑल्सो किल्ड एंड जनरली हिस्ट्री हिस्ट्री बुक्स डिस्कस नहीं कर सकती करती है बट देर वॉज एन इंग्लिश वेमेन जिसका नाम है मार्सेला शेरवुड एक इंग्लिश वीमन मिशनरीज थी शी वॉज जस्ट गोइंग ऑन अ बाइसिकल इन अमृतसर एंड शी वॉज बीटन वेरी बैडली वेरी वेरी बैडली दस से ग्यारह अप्रैल की बात है मतलब शी वॉज जस्ट अटैक्ड बाई दाइटर्स सो थिंग्स गॉड आउट ऑफ हैंड ट्रूप्स वर सेंट इमीडिएटली तो इस डिस्टर्बेंसेज को खत्म करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ गई एंड दे कॉल्ड ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर थे और उनको बुलाया गया कि यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर और उन्होंने बेसिकली मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया डायर ने अमृतसर में आके मार्शल लॉ लगा दिया मार्शल लॉ का मतलब कि कर्फ्यू लग गया है सो यू कैन नॉट असेंबल समवेयर ठीक है अब ये हो रहा है ग्यारह अप्रैल के बाद ओके ग्यारह अप्रैल का समय है लाइको इंटरनेट और टीवी और रेडियो ऐसा कुछ बहुत ऐसे कम्युनिकेशन के बहुत आसान तरीके हैं नहीं उस समय में राइट आर वी टॉकिंग अबाउट राइटिंग एंड अप्रैल थर्टीन विच इज ऑल्सो द डे ऑफ द बैसाखी अब बैसाखी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है त्यौहार में इंपॉर्टेंट है सो अप्रैल थर्टी को uh, तो जब बारह ग्यारह बारह तारीख को रिमेंबर दी थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फाइव इंग्लिश मैन हैव बिन किल्ड दिस मार्सेला मार्सलुड इंग्लिश मिशनरीज थी शी वॉज बीटन वेरी बैडली शी सर्वाइव बट इट वॉज अ टैक ऑन हर दैट वॉज डन सो दिस ही कम्स विद दिस एंगर इन द सिटी ही कम्स विद दिस एटीट्यूड ऑफ टीचिंग दीपल अ लेसन जिस रोड पर मार्शेला शेरवुड को अटैक किया गया था उस रोड के ऊपर जितने भी भारतीय थे उनको क्रॉल कराए मतलब जो भी वहाँ से गुजरता था जो भी इंडियंस था उनको वहाँ पे क्रॉल कराया गया था इन दी कमिंग डेज सो इसने मार्शल लॉ लगा दिया नो बडी कैन असेंबल बट बैसाखी का दिन था और इन्होंने बेसिकली पीपल विल नॉट बी एबल टू लीव द सिटी विदाउट अ पास कोई डेमोस्ट्रेशन प्रोसेस एन असेंबलिंग इन ग्रुप्स और मोर देन थ्री तीन लोगों से ज़्यादा की बेसिकली असेंबली हो जाए हुआ क्या कि इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हुई थी सो अप्रैल तेरह को जो कि बैसाखी का दिन है लार्ज क्राउड ऑफ पीपल नेबरिंग विलेजेस से पता था नहीं उनको कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगे हुए अमृतसर में आजू बाजू लोगों से क्योंकि बैस क्या नाम है जलियावाला बाग जो है उसके एग्जैक्टली सौ डेढ़ सौ दो सौ मीटर पे है बेसिकली गोल्डन टेंपल ठीक है तो बैसाखी का दिन है पीपल जस्ट कम एंड विजिट नहीं पता था प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का अ लॉट ऑफ पीपल के तो बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए वहाँ पर आ गए साथ ही साथ जो वहाँ पर उस समय लोकल लीडर्स थे उन्होंने भी बेसिकली एक प्रोटेस्ट मीटिंग बनाई थी सो so,

एंड ब्रिगेडियर जनरल डायर आता है उसको ये पता चल जाता है कि जलियावाला बाग में बड़े सारे से लोग असेंबल्ड uh, है ट्रूप्स सराउंडेड द गैदरिंग अंडर ऑर्डर्स ऑफ दिस जनरल डायर अब जलिया बाग uh, अगर आप कभी विजिट करेंगे या फिर जैसे वैसे थियोरिटिकली बताएं कि वो बाग में चारों तरफ से सराउंडेड है एंड देर इज ए वन वेरी नैरो एंट्री सिर्फ दो है एक, एक, एक दूसरी तरफ है और एक सामने से बहुत ही नैरो एंट्री है ठीक है मतलब वहाँ से

ये उधम सिंह मूवी में भी बेसिकली ये जो सीन उनके क्लाइमैक्स में दिखा हुआ है एंड द गांधी मूवी ऑल्सो हैज अ विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट हैपन ऑन दैट डे वेरी टू सी दैट तो ब्रिटिश सो जनरल डायर ओपन्स फायर अगेंस्ट दोस दे नॉट एक्चुअली प्रोटेस्टर ऑल्सो इट वॉज the local leaders were giving some kind of speeches over there pertaining to रॉल अटैट or सत्याग्रह but general dyer अपने troops को लाते हैं बिना कुछ बोले बोले उनके ऊपर basically गोलियाँ चला देते हैं उस समय के जो ऑफिशियल uh, uh, पंजाब government थी उनके sources के अकॉर्डिंग थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन पीपल वर डेड और कम से कम ग्यारह सौ wounded थे unofficial सोर्सेज और इंडियन कांग्रेस की जो खुद की उस समय की एस्टिमेट थी कि पंद्रह सौ से भी अधिक इं, इंजर्ड हैं और हज़ार से भी अधिक लोगों को मार दिया गया था इंसिडेंट उसके बाद ऐसा नहीं था कि अचानक से खत्म हो गया दस दस द होल नेक्स्ट मंथ मैसिव ब्रूटैलिटीज होती है अमृतसर के ऊपर मार्शल लॉ वॉज प्रोक्लेम्ड इन दी पंजाब पब्लिक फ्लॉगिंग हो रही थी दूसरी humiliacy. जैसे एन एक्चुअल फोटो Of that particular incident, this was 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 the the road where Marcella Sherwood was basically assaulted, and from there there onwards, for the next, on on जलियावाला बाग मैसेकर जब होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर हू वॉज गिवन नाइटहुड यानी उनको सर का खिताब मिला था क्योंकि उन्होंने उन्नीस सौ तेरह में नोबल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए गीतांजलि के लिए ही रिनाउंसड हिज नाइटहुड गांधी ऑल्सो गेव अप हिज टाइटल ऑफ केसर ए हिंद जो कि उनको अठारह के समय में बोअर वॉर्स जो चल रही थी उस समय दिया गया था ही वॉज ए वॉलेंटियर वो डॉक्टर्स के साथ काम करते थे तो जो वेड होते थे वॉर में उनके लिए काम किया करते थे गांधी वॉज ओवन वर्ल्ड एंड टोटल बैलेंस इन विद्रूड मूवमेंट ऑन एप्रिले ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में विड्रॉ कर ली थी महात्मा गांधी जी ने राइट right? रॉलेट सत्याग्रह भी विड्रॉ कर लिया गया था अप्रैल 18, 1919 को ड्यू टू दिस ग्लूमी एटमोस्फियर डायर एंश्योर्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द ब्रिटिश राज ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दैट इंसिडेंट दैट दैट इट इट हैज़ बिन समाइम्स डिस्क्राइब कि जलियावाला बाग वॉज द डिसाइसिव मोमेंट वेन इंडियंस वर पर्मानेंटली फॉर एवर एलियनेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रू नाउ यू न्यू कि दिस इज नॉट पॉसिबल टू गो उन्नीस सौ उन्नीस में उसी समय वहाँ पर भगत सिंह भी कहीं हैं आजू बाजू बट इज अंग एट इलेवन ग्यारह साल के हैं और इस इवेंट का जलियावाला बाग मैसे कर का आने वाली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर बहुत 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 मेजर इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट रहा है मतलब एज ए किड वेन यू सी दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज़ दिस नो मतलब इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ इन वन और अदर सो भगत सिंह की भारत नौजवान सभा उनके ऑर्गेनाइजेशन का था दिस मैसेकर ऑफ जलियावाला बाग बिकेम ए सिंबल फॉर देम दैट वी हैव टू क्रिएट रेजिस्टेंस ये मैं बता रहा था आपको उधम सिंह के बारे में आपने सुना होगा मूवी देखी होगी आपने शायद वो होपफुली देख भी लीजिएगा अगर नहीं देखी हो तो उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद वेरी स्पेसिफिकली इट्स इंसिडेंटली इट्स नॉट लाइक मैजिकली उन्होंने नाम चुना राम मोहम्मद सिंह सो दर इज़ हिंदू मुस्लिम सिख एंड आज़ाद द फ्रीडम ही यूज़ दैट नेम फ्रॉम फॉर गोइंग फ्रॉम पंजाब टू लंडन एंड ही असेसिनेटेड माइकल ओ

इसे में देखो मैं पढ़ के बताता हूं अगर आपको फॉन्ट नहीं समझ पा रहा सर माइकल ओडवायर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द अमृतसर इन अ शॉर्ट लास्ट नाइट एट द क्लोज ऑफ अ क्राउडेड मीटिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन कैक्सटन हॉल ईयर ऑफ द एज इंड ये जो रॉलेट सॉरी uh, जलवा जलियावाला बाग मैसेकर हुआ था इसके अगेंस्ट आफ्टर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स एक कमेटी बैठाई गई थी हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी ठीक है अक्टूबर 14, 1919 को अगस्त में मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पास किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बैठाई हंटर कमेटी ऑफिशियल क्या नाम है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बाद में क्योंकि इसका चेयरमैन का नाम हंटर था इसलिए इसको हंटर कमेटी या कमीशन भी खेते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ स्कॉटलैंड हुआ करते थे द पर्पज ऑफ द कमीशन कि उस समय जलियावाला बाग मैसेकर के समय में अप्रैल में तो जो बॉम्बे दिल्ली पंजाब में जितने भी डिस्टर्बेंसेज हुई थी, उसके क्या रीजन्स थे इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके कॉजेज को एंड द मेजर्स इसको आ, कोप करने के आ, क्या क्या मेजर्स लिए जाए इसके साथ साथ ये ये बड़े वाला एजेंडा ये था बट साथ में जलियावाला बाग मैसेकर को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए था इसमें तीन इंडियंस भी थे हंटर कमेटी में तीन इंडियंस भी थे राइट ठीक है तो हंटर कमेटी अकेला नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज भरे पड़े हैं। उसके अंदर तीन इंडियन भी थे और इंपॉर्टेंट वाले हैं, नाम याद रखना सर चिमनलाल हरिलाल है वाइस चांसलर ऑफ द बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेट ऑफ द बॉम्बे हाईकोर्ट पंडित जगत नारायण एंड सरदार साहिब ज्यादा सुल्तान अहमद खान तो तीन लोग द फर्स्ट वन इज हरिलाल सेतलवाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और एडवोकेट है सेकंड वन इज पंडित जगत नारायण लॉयर एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात उत्तर प्रदेश एंड सरदार साहिब जादा सुल्तान अहमद वो ग्वालियर से लॉयर थे सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवाद इंडिया के पहले सॉलिसिटर जनरल थे ठीक है आफ्टर मीटिंग

वेरी ब्रूटली स्पीकिंग जब उसने लाइक ही शॉट प्रोटेस्टर्स और द गैदरिंग उसके बाद ही डिंट टेंड लाइक उन्होंने उसने एडमिनिस्ट्रेशन को अलाउ नहीं किया टू टेंड टू द इंजर्ड वो उस मतलब ही डिंट मेरा काम थोड़ी ना इन रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑफ हंटर कमिटी वॉज रिलीज इन मार्च नाइनटीन ट्वेंटी में इन्होंने इसके साथ टेस्टिंग में, में उसमें ना डायर के एक्शन को कंडेम किया गया है बस वर्बली इन सेंस की दिस वॉज एन एरर लेंथ ऑफ फायरिंग शोड ए ग्रे एवर डायसो कंडेम्ड थोड़ी सी उसने अथॉरिटी भी की थी क्या ऐसी कोई कॉन्स्परेसी थी, थी नहीं ब्रिटिश रूल को पंजाब निकालने के लिए बट डायर वॉज नेवर पनिश्ड फॉर इट माइनॉरिटी रिपोर्ट ऑफ द इंडियन मेंबर्स ने कहा कि प्रोक्लेमेशन बैनिंग पब्लिक मीटिंग्स वर इनसफिशिएंटली पब्लिशाइज तुमने बताया किसी को था नहीं डायर शुडर ऑर्डर इज ट्रूब दुन डेड और इंस्ट्रक्टेड दिविलेड वॉज इन ह्यूमनिटिश बट बट इंपॉर्टेंटली उसके ऊपर कोई पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया था एक तो रीज़न ये भी था कि हंटर कमेटी बिगिन होने से पहले ही गवर्नमेंट ने पास कर दिया है इंडेमिनिटी एक्ट इंडेमिनिटी एक्ट का मतलब ये है कि मतलब ये प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन मिल गई थी उसको कि ही वुड नॉट इवन इफ ही वाज फाउंड गिल्टी ही हैड दी इंडेमिनिटी ही हैड दी प्रोटेक्शन ही वुड नॉट बी पनिश्ड इंग्लैंड में वियर्डली इनफ विंस्टन चर्चिल नाउ विंस्टन चर्चिल इज बेसिकली द पर्सन जो कि थोड़ा सा ही uh, इज

डायर वाउंड गिल्टी ऑफ अस्टेकर नोशन ऑफ ड्यूटी तो उसको वापस बुला लिया गया इंग्लैंड बट वहां पे कोई उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं लिया गया उसको आर्मी पेंशन मिलती रही और इवन मतलब कई सपोर्टर्स भी थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उस समा का जो राज्यसभा है देर वर समीपल हुर उसके सपोर्ट में रेजोल्यूशन भी पास कर दिया उसके अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया गया छब्बीस हजार पाउंड समय के अभी भी अभी के छब्बीस हजार पाउंड मिल जाएगा तो हम पूरी लाइक यूरोप का टूर हो जाए हमारे सबका उस समय के छब्बीस हजार पाउंड उसके लिए कलेक्ट किए गए थे वेरी आयरॉनिकली जलियावाला बाग में से जहां पे हुआ था और उसी समय अप्रैल में ही उस समय जो गोल्डन टेम्पल की जो क्लर्जी थी यानी कि जो प्रीस्ट क्लास थी लेड बाय द अरूर सिंह 1919, डायर बाय डिक्लेयरिंग हिम by आफ्टर द जलिया वाला श्री दरबार साहब ये वो reason भी बना था intensification of the demand for reforming the management of the Sikh shrine। uh, जैसे कुछ societies थी ये हम पढ़ेंगे इसको एक बार अलग से खालसा दीवान माझा central माझा खालसा दीवान uh, मतलब जलिया वाला बाग मैसेकर हुआ है एंड द प्रीस्ट क्लास ऑफ द अमृतसर गोल्डन टेम्पल इज़ बेसिकली द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सो यू सी द मतलब पता कि कॉल्यूजन है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश क्लर्जी ऑल्सो विच इंटेंसिफाइड द डिमांड एंड द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट बेसिकली वॉज लॉन्च अराउंडाइम कांग्रेस अपॉइंटेड इट्स नॉन ऑफिशियल कमेटी तो कांग्रेस ऑब्वियसली ब्रिटिश कमेटी हंटर कमेटी में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी तो इन्होंने खुद नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई दैट इंक्लूडेड मोतीलाल नेहरू सी आर दास अब्बास तैयब जी एम आर जेकर एंड गांधी नो रिमेंबर ये दोनों चीज़ें याद करनी है कि हंटर कमेटी में कौन कौन से तीन इंडियन थे साइमल्टेनियसली जलियावाला बाग मैसेकर पे इंडियन कांग्रेस ने एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाई थी और उस नॉन ऑफिशियल कमेटी के कौन कौन मेंबर थे ठीक है मोतीलाल नेहरू नॉट द यंगर किड ठीक है नॉट द जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी कांग्रेस फुट फुटबॉर्ड उन्होंने डायर के एक्ट को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि कोई जस्टिफिकेशन तो थी नहीं बट अगैन दिस वॉज जस्ट नॉन फॉर्मल एक्सरसाइज दैट वॉज इट सो जस्ट टू हैव अ वेरी बेसिक रिविजन हियर कि वाई देर वॉज अ नेशनलिस्ट अफसर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कोई बेसिक रीजन पोस्ट वॉर इकॉमिक हार्डशिप जिसको आप अलग अलग परपेक्टिव से डिस्कस करेंगे लाइक like इंडस्ट्री के परपेक्टिव से डिस्कस करेंगे वर्कर्स के परस्पेक्टिव से अर्बन मिडिल क्लास के डिस्पेक्टिव से विल डिस्कस के वर्ल्ड वार वन के बाद क्या होता है देन देर इज अ नेशनलिस्ट डिस इल्यूजमेंट विद एम्पीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड बिकॉज वाई क्योंकि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद होती है It just shows that imperial countries and they are going to continue with their imperialistic behavior. Therefore, there was no change that they are going to go for self-rule and democracy in their colonies. No. And impact of the Russian Revolution. Just have a basic idea that Russian Revolution happened which impacted. Why? Like it fails after 80 years. Russian Revolution uh, was USSR disintegrates, but in 1991. But at that day, on 1917, in 18, in 1919, this was a very novel event in the history. Like people can overthrow a totalitarian regime. This was possible. This gave hope to all the nationalists all over the world at that time. They were not ready for what the communism will actually bring later on. They didn't know. देन देर रोज मॉन्टे ट्रांसफोर्ट रिफॉर्म्स उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा मॉन्टेक चैंसफोर्ड रिफॉर्म से पहले आते हैं रॉलेट एक्ट गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना ही है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कुछ भी आते हैं 1893 नाइनटी से नाइनटीन हंड्रेड फोर्टीन याउथ अफ्रीका का टाइम है एंड देन नाइनटीन से लेकर नाइनटीन ये उनकी एमरजेंस इन द इंडियन पॉलिटिकल सीनेरियो है जिसमें उन्नीस और सोलह में कोई खास इवेंट नहीं है तो और अठारह में तीन इवेंट है चंपारण अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड द खेड़ा एंड नाइनटीन नाइनटीन दी रॉलेट सत्याग्रह एंड दलियावाला बाग उसके बाद मॉन्टफॉर्ड रिफॉर्म्स और फिर बेसिकली हंटर कमेटी सो क्रोनॉलॉजी बात करें तो हम कैसे कर रहे हैं कि नाइनटीन नाइनटीन में क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर मार्च में रॉलेट एक्ट पास हो रहा है अप्रैल में सत्या रॉलेट सत्याग्रह और जलिया वाला बाग मैसेकर है उसके बाद ऑगस्ट में मॉन्टफॉर्म रिफॉर्म्स पास हो रहे हैं अक्टूबर में हंटर कमेटी है एंड इन नाइनटीन ट्वेंटी हंटर कमेटी की बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश हो रही है Uh, before going, I should actually remind you about the Super Cool Mens Residential Program again. Uh, just to uh, say, just to tell you the same thing which I actually did. So, what Study IQ is basically doing uh, for you people is that uh, it's basically taking something off your head, money, the finances, right? Which is the major uh, stress, which actually probably is in your uh, UPSC preparation, which is the major just stress, right?

राइट तो कि आपका एग्जाम 28 मई को है तो 18 जून तक एग्जाम आ जाएगा तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा आप कहीं पे भी हो देश में वेर गोइंग टू कॉल यू टू डेली इन स्टडी आई यू कैंपस एंड वी विल बी ऑल दी एक्सपेंसिस टिल योर मेन्स आपकी मेन्स के एंड तक आपके जो भी एक्सपेंसिस होंगे विल बी आपके लॉजिंग फूड एंड ऑब्वियसली रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ऑल्सो विल बी अर दैट सो द आइडिया इज़ बेसिकली वेरी सिंपल आई बिलीव यू जस्ट हैव टू अगर वही है कि अगर आप स्टडी वेबसाइट पर जाते हैं एंड यू गो तो यही एग्जाम्पल देखिए यू पी एस सी वाला प्रिलिम्स टू तो इंटरव्यू बैच है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वाला ठीक है दिस इज अ टू ईयर्स प्रोग्राम टू ईर्यस प्रोग्राम वाला कि प्रिलिम्स से इंटरव्यू तक ठीक है तो प्रिलिम्स की हम इसमें प्रिपरेशन कराएंगे लाइव क्लासेस के द्वारा ऑल द सलेबस विल कवर द होल सिलेबस ऑफ मेन्स फोर जी एस पेपर एंड प्रिलिम्स का अपना दोनों पेपर सी सेट और ये एंड देन उसके बाद आप पूरी पूरी प्रिपरेशन करके अगर प्रिलियम्स क्लियर कर लेते हैं देन वील एक्चुअली इवन कॉल यू टू द कैंपस फॉर योर ऑफलाइन प्रिपरेशन इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस सिंपल है यू लाइक बाय नाओ ऑब्वियसली अमित लाइव स्टडी आई हुई है जितने भी कोर्सेज है वो अमित लाइव से ज्वाइन होते हैं इट्स बेसिकली कॉस्टिंग थर्टी थाउजेंड नाओ वाइट दैट इज थर्टी थाउजेंड एंड यूर एन फिर लाइव क्लासेज स्टार्ट करेंगे ये एट अप्रैल से स्टार्ट हो रही है डेली लाइव क्लासेज एट सिक्स पी एम अगर आप इस वीडियो को कभी बाद में देख रहे हैं सो दिस अप्लाइज टू ऑल अदर कोर्सेज ऑल्सो वो आप चेक कर लीजिएगा एंड देन इट इज साथ में अभी आपका जीएस करने का प्लान है कि ऑप्शन कर लेता हूँ सो अगैन यू कैन डू पी जो कि बहुत ही काफी पॉपुलर ऑप्शनल हो ही रखा है सो so, पी और सोशियोलॉजी और जोग्राफी एनी विच वे यू वॉन्ट टू सी राइट कोई और क्वेश्चन हो तो मुझसे बेसिकली यहां पर भी पूछा जा सकता है और जो हिस्ट्री के पीडीएफ चाहिए या अगला वीडियो कब आ रहा है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेर वी आर गोना डिस्कस द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट क्योंकि आफ्टर uh, 1919 द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल